अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, my name is Khuram Dad and this is the second lecture of English 3, Technical Communication and Technical Writing. We concluded the last lecture here on the heading factors affecting the situation, कैसे कौन से अवामिल होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। लास्ट लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, तो यहीं से हम आगे जो है आज इस लेक्चर का आगाज़ करेंगे। इसमें जो आपका नेक्स्ट है टॉपिक वो है एलिमेंट्स ऑफ अ मेमो। मेमो जो होता है इसको हम बेसिकली कहते हैं मेमोरेंडम, ठीक है। तो इसका कंप्लीट नेम क्या है बेटा? इट्स कंप्लीट नेम इज़ इट्स कॉल्ड मेमोरेंडम, ठीक है। क्या कहते हैं? मेमोरेंडम, MEMORANDUM, मेमोरेंडम, ठीक है। तो मेमोरेंडम जो होता है बेटा, इट इज़ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन की एक जो है वो टाइप है ये मेमोरेंडम। और इसका जो इस्तेमाल है या जो इसका यूज़ है वो होता है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, के जब एक कंपनी जो है, एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को ख़त लिखती है या एम्प्लॉइज़ कंपनी को ख़त लिखते हैं, यानी कि जनरल मैनेजर जो है वो अपने मतलब कि जैसे डायरेक्टर्स हैं उनको ख़त लिख रहा है, या मतलब कि डायरेक्टर्स जो हैं या सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर जो है वो जनरल मैनेजर को ख़त लिख रहे हैं, तो वो जो ख़त लिखा जाता है उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम जो होता है इसका फॉर्मेट जो है बेटा, ये जो आपका फॉर्मल लेटर होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें वो एग्जामिनेशन हॉल वगैरह वो चीज़ें नहीं आती, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स हैं या जो इसकी हेडिंग्स हैं या जो इसके पार्ट्स हैं वो ये नंबर वन पे नेम ऑफ़ द एड्रेसी। नेम ऑफ़ द एड्रेसी से मुराद इसमें हम लिखते हैं टू कि ये मेमोरेंडम किसको लिखा जा रहा है, उसके आगे दो डॉट्स लगाए जाते हैं और उस बंदे का नाम लिखा जाता है जिसको लेटर लिखा जा रहा है। उसके बाद आता है नेम ऑफ़ द राइटर। नेम ऑफ़ द राइटर में हम दूसरी लाइन पे इसकी हेडिंग देते हैं, फ्रॉम की हेडिंग देते हैं और नेम ऑफ़ द राइटर जो है वो उस हेडिंग में लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे आती है डेट। डेट यानी कि जिस डेट को आपका जो है वो मेमोरेंडम लिखा जा रहा है उस डेट को आप लिखेंगे। डेट पे हमने कल बात भी की थी कि डेट आप जो है वो ऐसे पैटर्न में या इस टाइप के अंदाज में लिखें कि उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे, यानी कि महीना अगर आप जो है वो पहले लिख रहे हैं या महीना बाद में लिख रहे हैं तो महीने का नाम लिखें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3rd of या मतलब कि 3rd November या 3rd September 2021, ठीक है। तो महीने का नाम जो है वो लाजमी लिखें। जब आप महीने का नाम लिख देंगे तो उससे जो है वो कन्फ्यूजन का एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ जो हेडिंग होती है इसकी वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आप किस मकसद के लिए ख़त लिख रहे हैं, ठीक है। जो मेमोरेंडम आप लिख रहे हैं, जो इंटरनल कम्युनिकेशन आपने इनिशिएट की है, उसको इनिशिएट करने का मकसद क्या है, ठीक है, क्यों आपने ये लेटर जो है वो लिखा है। नंबर 5 पे बॉडी ऑफ द मैसेज, के जो मेन मैसेज है, जो मेन बात है आपकी वो होती है। और नंबर 6 पे होता है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट से मुराद ये है कि आप अगर ईमेल की फॉर्म में भेज रहे हैं या लेटर की फॉर्म में भेज रहे हैं तो उसके साथ अगर आपने कोई पिक्चर्स वगैरह अटैच की हैं तो वो मेमोरेंडम का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वो उसके साथ अटैच की जाती हैं और उनको अटैचमेंट्स की लिस्ट में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ यू लुक हियर प्लीज़, तो सैम्पल मेमोरेंडम जो है वो आपके सामने है 2। ये देखें 2 की हेडिंग दी गई है। 2 डॉक्टर अरशद कुरैशी, चेयरमैन सिलेबस डिज़ाइनिंग कमेटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद। फ्रॉम आ गया, ठीक है, फ्रॉम डॉक्टर शमीम अली, कि ये मेमोरेंडम किसने लिखा है? डॉक्टर शमीम अली ने लिखा है। उसके बाद डेट आ गई। डेट जो है इसमें आपने जो है वो देखें 25th November 2019 के महीना जो है वो उसका नाम लिखा गया है ताकि कन्फ्यूजन का एलिमेंट जो है उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। सब्जेक्ट अपडेटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग विद अपडेटिंग टेक्नोलॉजी, कि यूनिवर्सिटी ने जो है वो टेक्नोलॉजी तो अपडेट की है, लेकिन इसके साथ जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है इट आल्सो नीड्स टू बी अपडेटेड। ठीक है, तो ये इसका सब्जेक्ट है। आए अब हम इसका मेमोरेंडम जो मेन ये अब यहाँ से इसकी बॉडी ऑफ द मैसेज जो है उसका आगाज़ होता है और यहाँ तक जो है वो ये इसकी बॉडी ऑफ द मैसेज है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा रीडिंग दे लें। Market study and investigation show that the planned advertisement media for the new fall lines need to be reviewed and changed. Only book reading gains no interest in students or satisfies their need. Received findings from the focus group and surveys revealed that university needs to update its advertising technique to line up with the available trends of young adults today. No longer are young adults interested in the sitcoms as they watch reality television shows. Also, it has become increasingly important to use the internet as a tool to communicate with our target audience to enhance our presence effectively in distance learning programs online. Attachments जो हैं वो उन्होंने जो मैडम ने सर्वे कंडक्ट किया है उसका रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ द फोकस ग्रुप जनवरी मई 2019 सर्वे फाइंडिंग्स जनवरी टू अप्रैल 2019। ठीक है, तो ये फॉर्मेट इसको पहचान ले आप। ठीक है, ये फॉर्मेट है मेमोरेंडम लिखने का। टू के बाद इन्होंने यहाँ पे कॉलम नहीं लगाया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, यहाँ पे आपको टू के बाद दो डॉट्स लगाने हैं जिसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, फ्रॉम के बाद भी ये दो डॉट्स आएंगे, डेट के बाद भी ये दो डॉट्स आएंगे और सब्जेक्ट के बाद भी ये दो डॉट्स आएंगे। जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इनको दो डॉट्स को मार्क यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो यू ऑल्सो नीड टू डू द सेम। और ऐसे ही अटैचमेंट्स की जो हेडिंग है उसके बाद भी यू हैव टू ऐड कॉलम हेयर। ठीक है, जहाँ पे रेड लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे आपने कॉलम लगाना है। ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल जो दूसरी चीज़ आप इसमें सीखेंगे वो है फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट्स जो होती हैं ये एक टाइप्स ऑफ आप ये कह लें कि रिसर्च इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं कि जो कि यूज़ की जाती हैं कंपनीज़ की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से इन ऑर्डर टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस कि वो अहम फैसले जो होते हैं वो रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जायज़ा लिया जाता है कि अगर हम इतना पैसा लगाएं और उससे जो है वो कितने लोगों को फ़ायदा होगा कि आया ये प्रोजेक्ट इस लायक है कि इसको मतलब कि अंजाम दिया जाए, कंप्लीट किया जाए या ना किया जाए। इसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो आपकी सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं जैसे कि मीडिया में चल रहा होता है कि जनाब फिलां गवर्नमेंट जो है उसकी पॉपुलैरिटी में इतना इजाफा हो गया और फिलां लीडर जो है उसकी पॉपुलैरिटी इतने % जो है डिक्लाइन हो गई। तो ये सारी टाइप्स जो हैं ये रिपोर्ट्स की होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें फॉर्मल रिपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि जब आप कभी किसी लैब में जाते हैं टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ से जो रिपोर्ट आपको दी जाती है वो मेडिकल रिपोर्ट होती है, वो भी फॉर्मल रिपोर्ट है। इसके अलावा प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तो आपने अपने स्कूल में या कॉलेज में देखा होगा कि जब कभी भी आपने इम्तिहान दिया तो आपके हाथ में एक अदद जो है वो रिज़ल्ट कार्ड पकड़ा दिया गया। वो रिज़ल्ट कार्ड जो है वो बेसिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि आप अपनी पढ़ाई के अंदर कैसी परफॉर्मेंस आपकी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फॉर्मल सिचुएशन में या कंपनीज़ या गवर्नमेंट के हवाले से देखें तो जब कभी भी कंपनीज़ जो अपना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं या हुकूमत कोई अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो वो हर 3 महीने के बाद उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं कि आप हमें बताएं कि कितना काम हो गया है, कितना काम रहता है और मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से इक़दामात हैं कि जिनको उठाया जा सकता है इस काम को जल्दी सर अंजाम देने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मल रिपोर्ट इज़ स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफिक एलिमेंट्स दैट एवरी राइटर हैज़ टू फॉलो and orient readers to the topic and organization of the report. The elements are so unique to be followed by every writer. कि इसके चंद एक एलिमेंट्स होते हैं फॉर्मल रिपोर्ट के, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो हर किस्म की रिपोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं और उनको होना चाहिए. फॉर्मल रिपोर्ट्स are often considered as long reports as they include three main sections. कि फॉर्मल रिपोर्ट्स को लॉन्ग रिपोर्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर तीन मेन सेक्शन होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी पेजेस. प्रीलिमिनरी पेजेस जो होते हैं कि आगाज़ के पेजेस हैं, इसमें इंट्रोडक्टरी पेज कि जिसमें रिपोर्ट का टाइटल लिखा है, जिसमें मतलब कि टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं, जिसमें एक्नॉलेजमेंट आ जाती है. इसके अलावा और भी बेताशा चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस के जो एब्रीविएशन यूज़ किए गए हैं, जिन लोगों से हेल्प ली गई है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर. इसके अलावा डेडिकेशन का पेज होता है कि रिपोर्ट किसको डेडिकेट की जा रही है. ये जो पेजेस होते हैं ये फॉर्मल जो मतलब किताब की गिनती होती है या रिपोर्ट की गिनती होती है पेजेस की, उसमें शामिल नहीं होते. इनको जो है वो आप रोमन नंबर्स में मेंशन करते हैं. अगर आपके पास कोई किताब है उसको आप ओपन करें तो उसके आगाज़ के जो पेज हैं उनको रोमन नंबर्स में लिखा होता है, और नंबर 1 जो पेज होता है किताब का वो 8-10 पेजेस के बाद उसका आगाज़ होता है, ठीक है. दूसरा जो है वो टेक्स्ट का सेक्शन होता है. टेक्स्ट सेक्शन जो है ये मेन बॉडी है आपकी, ठीक है. उसके बाद सप्लीमेंट्री पेजेस हैं. सप्लीमेंट्री पेजेस को हम अटैचमेंट्स भी कह सकते हैं कि कोई पिक्टोरियल एविडेंस या आपने कोई साथ मतलब के डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस के तौर पे पेश करना है तो वो सप्लीमेंट्री सेक्शन के अंदर मौजूद होगा. रिपोर्ट में बिगिन विद एटलीस्ट 20 to 25 पेजेस अप टू 100 एंड इवन थाउजेंड्स पेजेस डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड नेचर ऑफ द इशू अंडर स्टडी, ठीक है, कि रिपोर्ट्स जो होती हैं वो लेंथी होती हैं. 20-25 पेजेस पे भी मुश्तमिल हो सकती है और वो 20-25 से जो है वो ज़्यादा यानी कि हज़ारों पेजेस पर भी मुश्तमिल हो सकती है. इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दूं तो एक अगर मियाँ साहब के ऊपर वो जो इल्ज़ामात थे जी करप्शन और ये, तो उसकी जो रिपोर्ट आई तो वो कोई एक किताब या एक पेज की फॉर्म में नहीं थी, वो रिपोर्ट 6 किताबों पर मुश्तमिल थी. और आपको पता है कि उसकी 5वीं जिल्द जो थी यानी कि 5वीं मतलब कि बुक जो थी उसको हाइड कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मतलब कि बुक जो है इसको आपने पब्लिक में पेश नहीं करना, इससे हमारा कौमी सलामती जो है उसको खतरा लाहक हो सकता है, ठीक है. तो वो इतनी जामे रिपोर्ट थी, इतनी बड़ी रिपोर्ट थी कि उसमें हज़ारों पेजेस थे और ऑब्वियसली उसके अंदर एविडेंस और ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है. वर्कशीट्स फॉर फॉर्मल रिपोर्ट के अब जब आप फॉर्मल रिपोर्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिटरमिन योर ऑडियंस फॉर द रिपोर्ट कि आपके ऑडियंस कौन है. अब ऑडियंस की अहमियत जो है वो ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि ऑडियंस की क्या इम्पोर्टेंस होती है और ऑडियंस को क्यों हमें मद्देनज़र रखना चाहिए रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हुए, ठीक है. इंडिकेट पूरी प्राइमरी ऑडियंसेस के आप इंडिकेट करें, मेंशन करें कि आपके ऑडियंस हैं कौन, ठीक है. मेन ये रिपोर्ट किस बंदे के लिए लिखी जा रही है, ठीक है. हु इज़ दी सेकेंडरी ऑडियंस के दूसरे नंबर पर ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इसके अंदर जो है वो रिपोर्ट के अंदर इंटरेस्ट शो कर सकते हैं. प्लान विजुअल एड्स के विजुअल एड्स की प्लानिंग आप करें विच विल कन्वे दी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिपोर्ट. प्रिपेयर दी विजुअल एड्स को प्रिपेयर करें. इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड कवर टू प्रोटेक्ट योर रिपोर्ट. क्रिएट अ टाइटल पेज के टाइटल पेज होना चाहिए. प्रिपेयर दी टेबल ऑफ द कॉन्टेंट्स के टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स के जो रिपोर्ट के जो भी हिस्से हैं कि इंट्रोडक्शन किस पेज से शुरू हो रहा है, रिसर्च का मेथड कहाँ से शुरू हो रहा है, मेन बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है, कंक्लूजन कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है. तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएगा. डिटरमिन द लेवल्स ऑफ हेड्स यू विल यूज़ इन योर रिपोर्ट, ठीक है. तो लेवल ऑफ हेडिंग्स ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कौन से लेवल की हेडिंग्स जो हैं वो आपने यूज़ करनी है. वो आप मतलब कि खुद फैसला करेंगे. क्रिएट लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ फिगर्स, चार्ट्स, मैप्स एंड टेबल्स इन योर रिपोर्ट, ठीक है. ये एक और जो है वो पेज होता है प्रीलिमिनरी पेजेस में कि जिसमें आप जो है वो लिस्ट देते हैं कि जनाब मतलब के ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, ये कौन कौन से पेजेस पर मौजूद हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल पर्पस, स्कोप, प्रोसीजर एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो होता है रिपोर्ट का, उसके अंदर ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट्स जो होता है कि पर्पस आपके लिखने का मकसद क्या है, इसका स्कोप क्या है कि इसका इससे क्या बेनिफिट हासिल किया जा सकता है, प्रोसीजर क्या, आपने कौन सा मेथड अपना है इसको लिखने में, ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में आती हैं। डिटरमिन द चैप्टर सेक्शंस ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, के जो रिपोर्ट अगर लेंथी है तो उसको सेक्शंस में या फिर चैप्टर्स के अंदर तकसीम करें। व्हाट मेथड विल यू यूज़ टू कलेक्ट द डेटा, क्या आप डेटा जो है वो रिपोर्ट के लिए कौन से मेथड को यूज़ करने के बाद इकट्ठा करेंगे। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ योर स्टडी, पॉपुलेशन से मुराद ये होता है कि आप कौन से लोग जो हैं उनको यूज़ करेंगे डेटा इकट्ठा करने में। ठीक है, मतलब कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। व्हाट विल बी दी सैम्पल ऑफ योर स्टडी। अब अगर हम किसी तलीमी इदारे पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी पे ही तहकीक मतलब के कर रहे हैं तालब इलमों पे, तो ओपन यूनिवर्सिटी के तालब इलम लाखों की तादाद में है। ठीक है, तो जब हम कभी रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, जब हम कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करने लगते हैं, तो हम हर एक तालब इल्म की राय का जायज़ा नहीं ले सकते, ये मुमकिन नहीं होता। ठीक है, तो एक सैम्पल पॉपुलेशन ली जाती है, यानी कि अगर 1 लाख है तो 1 लाख में से 100 जो है वो हम मतलब के बच्चे लेते हैं, उनका हम जो है वो सर्वे कर लेते हैं या उनसे हम पूछ कर लेते हैं जो चीज़, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो ये जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं सैम्पल लेना। ठीक है, कि वो जो 100 हैं उनके रिज़ल्ट जो है वो फिर हर एक पे अप्लाई कर दिए जाएंगे। व्हाट विल बी द सैम्पल, ठीक है, व्हाट विल बी द सैम्पलिंग टेक्निक। अच्छा, सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, सैम्पलिंग टेक्निक से मुराद अब क्या है कि एक तो होती है रैंडम सैम्पलिंग, कि आपने वैसे जो आपके सामने आया उससे आपने पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक ख़ास किस्म की टेक्निक्स होती हैं कि जनाब के हमने जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की, कि स्ट्रेटिफाइड से मुराद ये है कि हमने 50% ख़वातीन के सैंपल लिए हैं और 50% हमने जो है वो मर्दों के जो है वो मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल हमने इसमें वेटेज दी है। इसके अलावा एज के हवाले से भी इसकी जो है वो आप स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट विच मेथड्स टूल्स विल यू यूज़ टू एनालाइज द डेटा, कि जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसको, उसका तज्ज़िया कैसे करेंगे, उसके लिए क्या मेथड होगा। मेंशन द शेड्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर रिपोर्ट, की रिपोर्ट कब कंप्लीट होगी। टेल मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एक्शंस, कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी अहमियत क्या है, वो भी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करें। टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेज एंड द बैकग्राउंड ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, के मौजूदा हालात और जिस बैकग्राउंड में आप रिपोर्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं उसको भी मेंशन करें। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट की अहमियत क्या है उसको मेंशन करें। राइट द प्रपोज टाइम फ्रेम, के कितने टाइम में कंप्लीट होगी। राइट द प्रपोज कॉस्ट इन द रिपोर्ट, के कितना खर्चा आएगा। डेवलप एन एप्रोप्रिएट स्टाइल शीट, के स्टाइल जो है इसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, MLA स्टाइल है, APA स्टाइल है, CMS एक होता है स्टाइल। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट्स लिखने का, तो इसमें से आपने जो अंदाज़ अपनाना है वो आप जो है वो सिलेक्ट करें और उसी को फॉलो करें। राइट विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यू नीड, कि आपको किस किस्म की हदायत की ज़रूरत है। व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट योर ऑडियंस कैन एक्सपेक्ट इन द करंट सिचुएशन। प्रिपेयर ग्लॉसरी, आखिर में ग्लॉसरी होनी चाहिए। लिस्ट कंक्लूजन्स, के कंक्लूजन होनी चाहिए। राइट दी रिकमेंडेशंस, के कंक्लूजन को मद्देनज़र रखते हुए रिकमेंडेशन के फ्यूचर में कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। राइट द समरी, और आखिर में उसका खुलासा भी दें। प्रिपेयर अपेंडिसेस एंड टेक्निकल मटेरियल, अपेंडिस जो होती है इट इज़ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, के एक वर्ड्स की लिस्ट होती है और उस लिस्ट में जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखी होती हैं और उसके आगे पेज नंबर लिखा होता है कि इस टर्म को फलां पेज नंबर के ऊपर डिस्कस किया गया। ठीक है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब आगे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपने ऊपर मेमोरेंडम के एलिमेंट्स यानी कि उसके सेक्शंस पढ़े कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही रिपोर्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे है जी प्रीलिमिनरी पेजेस। प्रीलिमिनरी पेजेस में सबसे पहला पेज होता है कवर पेज, जिसको हम कहते हैं टाइटल पेज। जैसे इस किताब का सबसे पहला पेज जो है वो कलर्ड फॉर्म में है, उसको हम टाइटल पेज कहते हैं। उसके बाद है ये टाइटल फ्लाई। टाइटल फ्लाई जो होता है ये टाइटल पेज के बाद एक अंदर का पेज होता है और इसके ऊपर भी किताब का टाइटल जो है वो प्लेन पेपर के अंदर जो है वो लिखा होता है। उसके बाद टाइटल पेज आ गया, इज द पेज विद द सेम इंफॉर्मेशन ऑन द कवर ऑफ द रिपोर्ट। एक्नॉलेजमेंट्स आ गई, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट्स के जिन लोगों ने आपकी हेल्प की, आपको सपोर्ट किया, उनका आप जो है वो इसमें शुक्रिया अदा करते हैं। टेबल ऑफ मतलब कंटेंट्स आ गया कि आपकी रिपोर्ट के चैप्टर्स या आपके सेक्शंस या जो हेडिंग्स हैं कौन कौन से पेज नंबर से उनका आगाज़ हो रहा है। लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस के इलस्ट्रेशंस में आप जो है वो टेबल्स वगैरह या आपने ग्राफ्स या कोई पिक्चर्स यूज़ की हैं तो उनका आप बताते हैं कि फ़लाँ पेज पे फ़लाँ पिक्चर है, फ़लाँ पेज पे फ़लाँ पिक्चर है। 7वें नंबर पे इसमें समरी या फिर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि आप जो है वो अपनी पूरी रिपोर्ट का खुलासा एक पेज के अंदर जो है वो प्रीलिमिनरी पेजेस के अंदर लिखते हैं। उसके बाद है जी डिस्कशन या फिर मेन बॉडी। अब ये प्रीलिमिनरी पेजेस यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। ये यहाँ से डिस्कशन से जो मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है उसका आगाज़ हो जाता है। जो मेन रिपोर्ट होती है आपकी उसको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर तकसीम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपनी रिपोर्ट का बैकग्राउंड, जो इशू जिसका आप मुतालिया कर रहे हैं, जिसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसकी अहमियत। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन टू द इशू अंडर स्टडी एंड अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेंथन डिटेल्स रेलिवेंट टू द इशू और द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, ठीक है। कि डिस्क्रिप्शन की जाती है, इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है टॉपिक के बारे में। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस का सेक्शन होता है कि जिसमें आप जो है वो मतलब कि जो डेटा आपने इकट्ठा किया है उसका आप जो है वो तज्जिया करते हैं और उसका मतलब निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके बाद कंक्लूजन आ जाती है। कंक्लूजन में आप चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, उनका का खुलासा, यानी कि आपने क्या नतीजा निकाला रिपोर्ट के बाद। आफ्टर दैट देयर इज सेक्शन ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशंस का जो सेक्शन है इसमें आप जो है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड करते हैं जो आपके ऑडियंस हैं उनको, कि मुस्तकबिल में ये रास्ता जो है इसको अपनाया जा सकता है हालात को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री सेक्शन। सप्लीमेंट्री सेक्शन जो है इसके अंदर ये आखिरी सेक्शन होता है। इसमें रेफरेंसेस या फिर बिब्लियोग्राफी आती है। रेफरेंसेस से मुराद ये है कि आपने जब रिपोर्ट अपनी तैयार की तो इसमें आपने कौन सी किताबों की या कौन से इंटरनेट की वेबसाइट्स की हेल्प ली, उन सारी चीज़ों को जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट किया जाता है। कि जैसे अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो इस चैप्टर के एंड पे अगर आप जाएं, ठीक है, आखिरी पेज निकालें ना, तो ये रेफरेंसेस की लिस्ट आ गई है, ठीक है। जो मैडम ने जिन्होंने आपका ये लिखा है चैप्टर, उन्होंने ये सारी किताबें जो हैं इनको कंसल्ट किया है आपके चैप्टर को कंप्लीट करने में, ठीक है। देख रहे हैं आप, ठीक है, ये रेफरेंसेस की लिस्ट है तो इसको ये सबसे आखिर में आती है, ठीक है बेटा। ठीक है जी। रेफरेंसेस के बाद लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस के ये सप्लीमेंट्री सेक्शन का दूसरा हिस्सा होता है। इसमें आप जो है वो अगर कोई मटेरियल ऐड करना चाहें, कोई एविडेंस ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंडेक्स आ जाता है, ये थर्ड पार्ट होता है सप्लीमेंट्री सेक्शन का। ये टेबल की तरह होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी होती हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स लिखी होती हैं और उसके आगे उनका पेज नंबर लिखा होता है कि इन हेडिंग्स को फलां फलां पेज नंबर के ऊपर डिस्कस किया गया, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। और जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है तो आपको ज़ाहिर फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो लिखने को तो एग्ज़ाम में नहीं दी जाएगी। आपने फॉर्मल रिपोर्ट के पार्ट्स ये जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए इनको आपने सबने याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। कि इसके कौन कौन से हिस्से हैं, ये आलमोस्ट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि अगर फॉर्मल रिपोर्ट पे क्वेश्चन आता है तो आप जो है वो यही चीज़ उसके आंसर में लिखेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स जो होती हैं ये जो है एक इदारे के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है। और ये मेमोरेंडम की फॉर्म में होती हैं। एक इदारा जो है वो अपने ही मुलाजिम को टास्क देता है कि हाँ भाई ये मसाइल आ रहे हैं, आप इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करें और जो है वो हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करके दें कि ये मसला हमें क्यों पेश आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिपोर्ट होती है उसको हम इनफॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ की जाती हैं। जो फॉर्मल रिपोर्ट होती हैं आपकी वो एक इदारा किसी दूसरे इदारे के लिए प्रिपेयर करता है। कि जैसे हुकूमत जो होती है वो जब उसको कोई रिपोर्ट चाहिए होती है तो या तो वो FIA को लिखेगी या फिर वो कोई प्राइवेट कंपनीज हायर करती हैं कि जिनकी मदद से वो रिपोर्ट हासिल करते हैं। तो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स एक इदारे के अंदर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स जो होते हैं उनके फॉलोइंग सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 पे इसमें इंट्रोडक्शन होता है, इसकी लेंथ 1 पेज से लेके 2-3 पेजेस तक होती है, इससे ज़्यादा इनफॉर्मल रिपोर्ट की लेंथ नहीं होती। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में लिखने के लिए ये आ जाए कि आप जो है वो फलां टॉपिक के ऊपर इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है उसको डेवलप करें। ठीक है, तो इसके जो अपना सेक्शंस होते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ऑब्जेक्टिव के आपके रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या है। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है कॉन्टेक्स्ट, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस बैकग्राउंड में रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ डिस्कशन, कि आप जो है वो मेन फाइंडिंग्स जो आपकी हैं या मेन जो आपके मसाइल हैं उनको आप डिस्कस करते हैं। फाइंडिंग्स के आपको क्या नतीजा आपको क्या रिज़ल्ट हासिल हुआ। उसके बाद कंक्लूड करते हैं आप, और कंक्लूड के बाद आप रिकमेंडेशंस करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि फलां कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसको अपनाया जा सकता है मुस्तकबिल में हालात को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट, की ये जो चीज़ें हैं इनको इंटरनल पर्पसेस यानी कि कंपनी अपने दायरेकार के अंदर इस्तेमाल करती है। सीनियर मेंबर्स को अगर कोई चीज़ जो है वो ज़रूरत होती है, इफ़ दे नीड समथिंग, तो वो अपने जूनियर मेंबर्स को ऑर्डर करते हैं कि आप हमारे लिए फलां टॉपिक के ऊपर जो है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करें। ठीक है, तो दीज रिपोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन दी लेटर फॉर्मेट। इनको लेटर के फॉर्मेट पे या फिर मेमोरेंडम के फॉर्मेट पे, जो ऊपर आपने पढ़ा कि 2 की हेडिंग देंगे, जिसको रिपोर्ट पेश की जा रही है उसका नाम आप फ्रॉम की हेडिंग देंगे, फ्रॉम में जो बंदा रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम, डेट की हेडिंग देंगे, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट की हेडिंग देंगे कि रिपोर्ट का टाइटल क्या है। ठीक है, तो and the topic written first and then the name of the writer, the date of authorization and reference to the authorizing person is mentioned on the top pages. The introduction is also written on the same page below the basic information provided. In introduction के अंदर आप जो है वो background context of the problem discuss करते हैं। Discussion जो है वो main मसला क्या था उसके ऊपर आपने क्या तहकीक की और उसका आपको क्या नतीजा हासिल हुआ और अब आप जो है वो रिकमेंड क्या करते हैं। ठीक है, वर्कशीट फॉर इनफॉर्मल रिपोर्ट, की अगर आप इनफॉर्मल रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1 पे आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। राइट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिपोर्ट, कि आप लिखें कि आप जो रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या मकासद हैं। मेंशन द शेड्यूल फॉर द कम्पलीशन ऑफ रिपोर्ट, कि आप मेंशन करें कि रिपोर्ट कब कंप्लीट की जाएगी या आगाज़ कब हुआ और कंप्लीट कब हुई। टेल मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एक्शंस, कि आप जो काम आपने किया है उसकी अहमियत क्या है। टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस एंड द बैकग्राउंड ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, कि कौन से हालात के अंदर आपको ये असाइनमेंट दी गई जिसमें आपने रिपोर्ट को प्रिपेयर किया। मेंशन द सिग्निफिकेंस, की अहमियत क्या है। राइट दी प्रपोज टाइम फ्रेम में कंप्लीट होना थी। राइट दी प्रपोज कॉस्ट ऑफ द रिपोर्ट, के कितनी कॉस्ट के अंदर इसको कंप्लीट होना है। डेवलप एन एप्रोप्रिएट स्टाइल शीट, के वही जो आपको बताया पहले कि MLA, APA, CMS, इनमें से एक स्टाइल जो है उसको आप सिलेक्ट करें और उसको लेके चलें। राइट विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यू नीड, कि आपको किस किस्म की हिदायत की ज़रूरत है रिपोर्ट को कंप्लीट करने में। व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट योर ऑडियंस कैन एक्सपेक्ट इन करंट सिचुएशन, के मौजूदा हालात में आपकी जो ऑडियंस हैं वो किस टाइप की रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर रेलिवेंट विजुअल एड्स, कि जो आपको विजुअल एड्स या चार्ट या ग्राफ्स की ज़रूरत है तो उसको प्रिपेयर करें। राइट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ give your introduction, how will you use them and give gist of the report to the intended reader. ठीक है जी, आगे आ गई टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के कौन कौन सी टाइप्स हैं रिपोर्ट्स की जो कि होती हैं और जिनको जो है वो आपको लिखना पड़ सकता है. इसमें IMRD रिपोर्ट है, ब्रीफ एनालिटिकल रिपोर्ट और आखिर में प्रोग्रेस रिपोर्ट. जी तो IMRD जो रिपोर्ट है इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन रिपोर्ट. इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं ये यूजुअली लैब रिपोर्ट्स कहलाती हैं. इसमें आप अगर अपना फिज़िक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में, कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में जो है वो जो रिसर्च होती है या जो रिसर्च रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं वो इस पैटर्न पे लिखी जाती हैं. लैब रिपोर्ट्स भी हम इनको कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि कौन सी मेथडोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जाएगा, डेटे जो आपका डेटा है उसके एनालिसिस के लिए, उसके बाद रिजल्ट्स होते हैं और रिजल्ट्स के बाद डिस्कशन होती है कि इसकी क्या आउटपुट है, इससे क्या नतीजा निकला. ठीक है, ये वर्कशीट है, प्लीज़ ये उसी पैटर्न पे है कि इंट्रो लिखना है, ये चीज़ें होनी है, इसको देख लीजिएगा. उसके बाद है जी ब्रीफ एनालिटिकल रिपोर्ट्स. सच रिपोर्ट्स आर वेरी कॉमन इन दी बिज़नेस इंडस्ट्री. ये रिपोर्ट्स होती हैं बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कॉमन होती हैं. राइटर्स आर गिवन an issue which they view to find out and reveal important factors about the issue. Relevant conclusions are given as a result of the analysis of factors identified. This type of report also begins with the introduction, presentation of data collected, findings and analysis of various factors involved in the issue. At beginning the report the issue is introduced, the discussion made and the results are provided. Finally the conclusion is written based on the recommendations suggested for implementation in the organization. ठीक है, तो इदारे के अंदर जब कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, तो उसके ऊपर टास्क दिया जाता है इदारे के किसी बंदे को कि आप तहकीक करें और हमें बताएं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है. और इस पैटर्न पे ये रिपोर्ट जो है वो एनालिटिकल रिपोर्ट कहलाती है. इसके बाद आगे जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि अगर कोई जो है प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी मतलब कि फॉर एग्जांपल मेट्रो की हम बात करें कि जनाब कि फ़लाँ जगह पे मेट्रो बन रही है, ठीक है, तो हर 3-4 महीने के बाद जो है उसके ऊपर हुकूमत जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगती है. प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप बताते हैं कि जनाब इतने % काम कम्प्लीट हो चुका है, इतने % काम रहता है और फलां चीज़ें अगर इमीडिएटली मुहैया की जाएं, इतना बजट दिया जाए तो काम को जल्दी जो है वो वक्त पे या वक्त से पहले कंप्लीट मतलब किया जा सकता है. इसमें हम जो है वो नंबर्स का, फैक्ट्स एंड फिगर्स का, परसेंटेज का यूज़ जो है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, इसमें भी इंट्रो होगा, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और रिकमेंडेशंस इसका भी हिस्सा होंगी. ठीक है, आउटलाइन फॉर रिपोर्ट्स के आउटलाइन जो होती है वो मेन मतलब के क्या क्या होती है इसके अंदर. ठीक है, इट इज़ कॉमन फॉर पीपल टू राइट रिपोर्ट्स विदाउट क्रिएटिंग एन आउटलाइन फर्स्ट. इट माइट बी ट्रू, हाउएवर अ गुड रिपोर्ट ऑलवेज नीड्स एन आउटलाइन बिकॉज इट फैसिलिटेट्स के एक आउटलाइन आप जो है वो रिपोर्ट बनाने से पहले आप मतलब बना लें तो वो आउटलाइन आपको हेल्प करेगी रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने में और रिपोर्ट को अच्छे तरीके से सरंजाम देने में. ठीक है, एग्जाम्पल आउटलाइन की ये है कि अगर आप लोग डॉक्टर सोफिया अली पे जो है वो रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन दें कि ये हैं कौन, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं, ग्रेजुएटेड के उनके एजुकेशन के बारे में बताएं, उनकी अचीवमेंट्स के उन्होंने ज़िंदगी में क्या हासिल किया है उसको आप डिस्कस करें, करंटली इस सर्विंग के आजकल उनकी कहाँ पे मुलाजमत है और आजकल वो मतलब कौन सा काम सर अंजाम दे रही हैं. उसके बाद कंक्लूजन आ गई कि आप कंक्लूड करें कि जनाब के डॉक्टर सोफिया अली जो हैं वो हैं क्या. ठीक है, अब आगे सेंटेंसेस की बात आ रही है. ठीक है, कि उसी आउटलाइन को जो है वो सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है. ठीक है, तो ऐसे एक शख्स की ज़िंदगी के ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट लिखी जा सकती है. ठीक है, रिकमेंडेशंस. ठीक है, this type of report is written to present a position based on the credible criteria. कि आप जब चीज़ों का जायज़ा लेते हैं तो चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद रिकमेंडेशन दी जाती हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, इस काम को करने के बाद हमारा जो है वो जो मकसद है वो जल्दी या ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव हो सकता है। ठीक है, recommendations are given to choose machine A और machine B के फॉर एग्ज़ाम्पल के आपके सामने अगर दो कंपनीज़ की मोटरसाइकिल्स हैं, ठीक है, तो आप किसी से रिकमेंडेशन मांगते हैं कि यार मैं कौन सी कंपनी का मोटरसाइकिल खरीदूँ, या आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आपके सामने दो तीन गाड़ियाँ हैं, उनमें से एक आप लेना चाहते हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन लेंगे कि भाई मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ। तो वो जो रिकमेंडेशन है वो भी सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट होती है जिसमें हर पहलू का जायज़ा लिया जाता है, प्राइस का, उसके कलर का, उसकी परफॉर्मेंस का, उसकी फ्यूल कंजम्पशन का, उसकी सीटिंग कैपेसिटी का, सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है वो फलां गाड़ी या फलां मोटरसाइकिल जो है उसको आप ख़रीद लें। ठीक है, तो कंसीडर दी ऑडियंस, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको मज़ीद जो है वो डिस्कवर करने की, ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि विजुअल एड्स होती हैं, ये होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे भी मैंने पहले बात की, मैंने आपको बताया कि एक रिपोर्ट होती है जिसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप देख लें। अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ रिटन टू डिटरमिन वेदर अ प्रोजेक्ट इज़ वर्थ अंडरटेकिंग और नॉट। कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट उस वक्त की जाती है जब हम ये चीज़ जानना चाहें कि आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं या हुकूमत कोई प्रोजेक्ट करना चाह रही है, तो वो हुकूमत जानना चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को करने से कुछ फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, कि हम इतना खर्चा करें और इससे लोग फ़ायदा ना उठाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है, ठीक है, ये इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रॉपर तैयार नहीं की गई और उसके नतीजे में जो है इस पर इसकी यूटिलाइजेशन जो है इट इज़ अंडर यूटिलाइज, कि इसका इस्तेमाल बहुत मतलब कि कम लोग जो है वो करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इस्लामाबाद से डायरेक्ट लाहौर जो है, अगर आप जो मौजूदा जीटी रोड है इस पे मोटरवे बनाते तो फासला 150 किलोमीटर कम होता। अब आपने एक लंबे पहाड़ी इलाके में से गुजार के सारा ट्रेन में से ले जा के तो आपने मोटरवे आप उधर लेकर गए और लाहौर को आपने कनेक्ट किया, तो आपने 150-200 किलोमीटर का फासला बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस वजह से लोग जो है वो फ्यूल बचाते हैं और वो लोग जीटी रोड को इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी मोटरवे। ठीक है, तो अगर ये उसकी जगह पे मतलब जीटी रोड को कन्वर्ट करते हैं मोटरवे में, तो इसको ज़्यादा लोग जो है वो यूटिलाइज़ करते, ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते और फ्यूल जो है उसमें भी के बचत होती। ठीक है, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का आइडिया आपको हो गया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, प्लानिंग और फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं तो उसमें चंद स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे कंसीडर दी ऑडियंस, नंबर 2 डिटरमिन द क्राइटेरिया, डिटरमिन दी स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, कि आप एक अदद क्राइटेरिया बना लें कि ये चीज़ें अगर हों तो भाई ये मंसूबा होना चाहिए और अगर ये चीज़ें ना हों तो ये मंसूबा नहीं होना चाहिए, और उस क्राइटेरिया को आप जो है वो फॉलो करें। ठीक है, और उसके हिसाब से आप लेके चलें। द रिपोर्ट राइटर, जहाँ तक इस फॉर्मेट का ताल्लुक है तो फॉर्मेट पे बात हो रही है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड नेचर ऑफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि आप किस फॉर्मेट में जा रहे हैं वो फॉर्मेट डिपेंड करता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट की नेचर क्या है और उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट्स जो हैं वो उसके फॉर्मल रिपोर्ट के पैटर्न पे होंगी कि उसमें प्रीलिमिनरी पेजेस होंगे, उसकी बॉडी होगी और उसके बाद उसकी बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस और इंडेक्स की सारी चीज़ें होंगी, और अगर रिपोर्ट जो है वो लेंथ उसकी शॉर्ट है तो आप उसको लेटर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंट्रो है, बॉडी है, ये वही चीज़ें हैं जो कि ऊपर सारी टाइप्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो वी डू नॉट नीड टू डिस्कस देम अगेन। जो दूसरी चीज़ आप इस थर्ड जो चीज़ आप इस यूनिट में सीखेंगे वो है यूज़र मैनुअल्स, ये जो यूज़र मैनुअल लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय अ लैपटॉप, इफ़ यू बाय अ मोबाइल फ़ोन, इफ़ यू बाय अ जूसर, इफ़ यू बाय अ वाशिंग मशीन, कोई भी चीज़ आप ख़रीदें तो उसके साथ उसका यूज़र मैनुअल आता है। यूज़र मैनुअल के इस चीज़ को जो कि आपने ख़रीदी है इसको इस्तेमाल कैसे करना है उसके हवाले से गाइड होती है। जी, तो यूज़र मैनुअल का आपको पता है कि ये होता क्या है, तो यूज़र मैनुअल्स आर रिटन इंस्ट्रक्शंस descriptions and illustrations that tell about machines or objects to guide readers about their formation, parts, sequencing, functioning, precautionary measures, benefits of the machines or the objects, their prices, suitability for the users, and problems or faults as a result of misusing or wrong operating. कि मैनुअल जो है, यूज़र मैनुअल किसी मशीन का जो होता है उसमें उस मशीन के पार्ट्स की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी सीक्वेंस के इन पार्ट्स को अरेंज कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके पॉसिबल मिस यूजेस क्या हो सकते हैं, और उस मिस यूज़ के नतीजे में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो फॉल्ट जो है कौन सा फॉल्ट होगा और उस फॉल्ट को रिमूव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो यूज़र मैनुअल है आपका वो उसके अंदर होता है। और यूज़र मैनुअल को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर हो, डायरेक्शन दी गई हो, उन सेंटेंसेस के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यूज़र मैनुअल के अंदर जो है बेसिकली तो ये चीज़ होती है कि आप अपने जो यूज़र्स है उसको एडवर्टीज़ भी कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट, और आप बताते हैं कि बाकी प्रोडक्ट्स की निस्बत ये प्रोडक्ट क्यों ख़रीदनी चाहिए, ये प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा अहमियत रखती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्रोजेक्ट्स। 2.31 है प्लानिंग मैनुअल्स, कि हम जो यूज़र मैनुअल है उसको हम प्लान कैसे करते हैं। तो यूज़र मैनुअल जो होता है इट इज़ गाइडिंग मटीरियल एज़ वेल एज़ प्रोमोशनल मटेरियल, के आप अपने जो यूज़र है उसको गाइड भी कर रहे होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने प्रोडक्ट जो है उसकी एडवर्टीज़मेंट यानी कि इश्तिहारबाजी भी कर रहे होते हैं। तो जितना अच्छा आपका यूज़र मैनुअल होगा उतने अच्छे आपके प्रोडक्ट के सेल करने के चांसेस होंगे। तो जब कभी भी आप यूज़र मैनुअल आपको लिखना पड़े तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 पे डिटरमिन योर ऑडियंस, कि आपको अपना पर्पस जो है लिखने का, कि आपका लिखने का मकसद क्या है। ये मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं, हम इसको जब ये इसकी रेलिवेंट हेडिंग आएगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। कंसीडर दी ऑडियंस, के ऑडियंस का ख्याल रखें। डिटरमिन शेड्यूल, डिस्कवर द सीक्वेंस, एनालाइज द पार्ट्स एंड स्टेप्स एंड फॉर्मेट पेजेस एंड सेलेक्ट विजुअल एड्स। के अगर आपको यूज़र मैनुअल पे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये सारे जो हेडिंग्स हैं इनको आपने डिटेल में उसके आंसर में डिस्कस करना है। नंबर 1 पे डिटरमिन योर पर्पस, के फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये फैसला करना है कि आपका यूज़र मैनुअल जो है उसके लिखने का मकसद क्या है, कि आप जो है वो क्या करना क्या चाह रहे हैं उसके ज़रिए। आप अपने जो आपका रीडर है उसको आप आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने के बारे में गाइड करना चाह रहे हैं, आप उसको उसके मिस यूजेस के बारे में गाइड करना चाह रहे हैं, आप उसको उसके अपने फॉल्ट्स को रिमूव करने के बारे में गाइड करना चाह रहे हैं। तो जो भी नेचर ऑफ गाइडेंस है उसको आपने उस हिसाब से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पर्पस जो है डिटरमिन करना है, कि आपका जो यूज़र मैनुअल आप जो लिखने चाह रहे हैं व्हाट इज़ इट्स पर्पस, किसका मकसद क्या है। दूसरे नंबर पे कंसीडर दी ऑडियंस, कि आपको डायरेक्टली आपका जो यूज़र मैनुअल है इट इज़ लिंक्ड विद योर ऑडियंस, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर किसी मतलब जूसर मशीन का यूज़र मैनुअल लिख रहे हैं या आप किसी अपना टेलीविज़न का यूज़र मैनुअल लिख रहे हैं, तो अगर तो यूज़र्स यानी कि कंज्यूमर जो है, जो इस्तेमाल करने वाला है, जिसने टीवी ख़रीदा है, उसके लिए आप यूज़र मैनुअल बना रहे हैं तो ही विल बी मोर कंसर्न कि जनाब कि मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, इसका रिमोट जो है उसके क्या फंक्शंस हैं, इसके अंदर ये जो स्लॉट्स बनी हुई हैं इन स्लॉट्स का क्या फंक्शन है, इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, और इसके अलावा जो इसका रिमोट कंट्रोल है उसके हर बटन का क्या फंक्शन है, हाउ डू वी यूज़ इट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़र मैनुअल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप यही यूज़र मैनुअल अपना मैनुअल जो है किसी मकैनिक के लिए लिख रहे हैं तो मकैनिक जो है उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में होगा कि जो टीवी है इसके पार्ट्स को जोड़ा कैसे गया, कि सबसे पहले बेस वाला पार्ट कौन सा था, उसके ऊपर कौन सा पार्ट लगाया गया, उसके ऊपर कौन सा पार्ट लगाया गया, उसके ऊपर कौन सा पार्ट लगाया गया, और अगर इसकी टीवी स्क्रीन पे पिक्चर नहीं शो हो रही तो मुझे कौन सा पार्ट चेक करना चाहिए, वो यूज़र मैनुअल के अंदर हो। अगर इसकी वॉइस नहीं आ रही तो वॉइस जो है वो कौन सी इसकी इलेक्ट्रिकल मतलब के पोर्ट है, जहाँ से इसकी अपना वॉइस की आउटपुट होती है तो उसको मेंशन करें। तो इसी पर्सपेक्टिव में जो आपकी ऑडियंस है उसी के ऊपर बेस करता है कि आप यूज़र मैनुअल कैसे लिखेंगे। अगर तो आप कंज्यूमर के लिए लिख रहे हैं तो उसमें ऑपरेट करने का मेथड आप बताएंगे उनको और उसके मिस यूजेस बताएंगे कि आप इसको ख़राब कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने ख़राब कर लिया है तो उसको ख़राबी को डायग्नोज कैसे करना है आप यूज़र्स को तो ये बता सकते हैं। टेक्नीशियंस जो हैं दे विल बी मोर कंसर्न कि जनाब के ये प्रोडक्ट को जोड़ा कैसे गया है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो उसका फॉल्ट जो है उसको कैसे चेक करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा है आपके यूज़र मैनुअल का वो ये है डिटर्मिन शेड्यूल कि आप एक जो है वो शेड्यूल बनाएं कि आप शेड्यूल से मुराद ये है कि आप जब से प्रोडक्ट की प्लानिंग होती है उस वक्त से राइटर को साथ होना चाहिए, ठीक है। वो राइटर जो है वो साथ साथ उसको देखता जाए कि प्रोडक्ट को कैसे अरेंज किया जा रहा है और वो साथ साथ उसको लिखता चला जाए, ठीक है। और जैसे प्रोडक्ट फिनिश होती है साथ ही उसका यूज़र मैनुअल फिनिश होना चाहिए, और उसकी रीज़न ये है कि यूज़र मैनुअल जो है उसको मुख्तलिफ लोग रिव्यू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैनेजमेंट है वो रिव्यू करेगी, जो इंजीनियर है जिसने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है, जिसने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है वो उसको रिव्यू करेगा, जो कंपनी के टेक्नीशियंस हैं वो उसको रिव्यू करेंगे कि हाया ये यूज़र मैनुअल ठीक लिखा गया है, वाकई ही इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करने के बाद हम इसके फॉल्ट्स को दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो शेड्यूल जो है वो आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। उसके बाद है डिस्कवर द सीक्वेंस। सीक्वेंस के जो जिस प्रोडक्ट का यूज़र मैनुअल आप के बनाने जा रहे हैं वो करती क्या है, उस प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है और उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस उनकी अहमियत क्या है, एंड हाउ डू दीज पार्ट्स फंक्शन, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको जो यूज़र मैनुअल का राइटर है ही नीड्स टू डिस्कवर इट, और वो सीक्वेंस के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल कि हाउ टू असेंबल इट, कि अगर तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं तो इन पार्ट्स को जोड़ना कैसे है, हाउ टू स्टार्ट इट, इसको स्टार्ट कैसे करना है, एंड इफ़ यू हैव स्टार्टेड इट देन हाउ टू स्टॉप इट, किसको रोकना कैसे है, हाउ टू लोड, किसको लोड कैसे करना है, हाउ इट प्रोड्यूसेस इट्स एंड प्रोडक्ट, के जो एंड प्रोडक्ट है वो इसमें से कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ ईच पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू प्रोड्यूसिंग दी एंड प्रोडक्ट, के इस डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनका क्या रोल है एंड प्रोडक्ट में, हाउ टू एडजस्ट पार्ट्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है मशीन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, हाउ टू चेंज इट टू परफॉर्म स्लाइटली डिफरेंट टास्क, के मशीन को चेंज कैसे किया जा सकता है डिफरेंट टास्क जो है उनको सर अंजाम देने के लिए। उसके बाद जी एनालाइज दी पार्ट्स एंड स्टेप्स, हर एक पार्ट जो है उसका आप तजिया करें, उसके अंदर जो इन्वॉल्व स्टेप्स हैं उनका आप जायज़ा लें और एक्सप्लेन करें कि ये पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। मिसाल दी गई है यहाँ पे डीवीडी प्लेयर की, तो डीवीडी प्लेयर का इफ़ यू इंटेंड टू क्रिएट अ यूज़र मैनुअल फॉर डीवीडी प्लेयर, तो ऑलरेडी डीवीडी प्लेयर्स के यूज़र मैनुअल्स मौजूद हैं, उनको आप उठाएँ और उसको स्लाइटली जो आप समझते हैं कि इसके अंदर चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं उनको आप इम्प्रूव करें। इसके बाद फॉर्मेट करना, कि पेज के साइज़ को डिटरमिन करें कि कौन से साइज़ का पेज होगा, पेज नंबर्स की सीक्वेंस आप रोमन में देंगे या वैसे जो आपका दूसरा सिस्टम है नंबर्स का उसमें आप सीक्वेंस देंगे, कौन से एक पेज पे आप एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे या एक से ज़्यादा स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सारा सीक्वेंस और अपना फॉर्मेटिंग जो है इसका डिसीजन आपने करना है। उसके बाद है जी राइटिंग द यूज़र मैनुअल। राइटिंग मैनुअल डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग, कि यूज़र मैनुअल को लिखना जो है डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, जितनी जल्दी प्लानिंग होगी उतनी जल्दी आप उसको लिखना शुरू कर सकते हैं। और यूज़र मैनुअल जो होता है उसकी दो हिस्से होते हैं, नंबर वन पे डिस्क्रिप्शन ऑफ दी पार्ट्स, कि हर एक पार्ट जो है उसकी आप डिस्क्रिप्शन देते हो, और नंबर 2 पे इंट्रोडक्शन टू ऑल सीक्वेंसेस, के पार्ट्स जो हैं वो किस सीक्वेंस में काम करते हैं वो सीक्वेंस आप अपने एंड यूज़र्स को बताते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द राइटिंग के राइटिंग का पहला जो है मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट्स द राइटर नीड्स टू डिस्क्राइब द पार्ट्स कि आपको जो आपकी प्रोडक्ट है उसके एक एक अपने पार्ट को डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो कैमरे का यूज़र मैनुअल बना रहे हैं तो जिस जिस पार्ट पे वो कैमरा मुश्तमिल है आपने हर एक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे हर एक पार्ट पे फोकस करना है, उसको डिस्क्राइब करना है और हर एक पार्ट की डिटेल जो है वो और उसकी एक्सेसरीज़ की डिटेल जो है वो यूज़र मैनुअल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इन द सेकंड सेक्शन दूसरा सेक्शन जिसमें सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है द सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स शुड बी गिवन टू ड्रा लॉजिकल सीक्वेंस कि लॉजिकल सीक्वेंस के किस अंदाज में पार्ट्स को जोड़कर मशीन बनाई गई है वो सीक्वेंस बताना चाहिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैमरा इट्स एक्सेसरीज पार्ट्स देयर फंक्शन सीक्वेंस एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड। हर एक चीज़ हर एक एंगल से आप अपनी प्रोडक्ट को यूज़र मैनुअल के अंदर डिस्क्राइब करें। देन द कॉस्ट ऑफ द कैमरा इट्स ड्यूरेबिलिटी क्रेडिबिलिटी शुड बी गिवन के कितना ड्यूरेबल है कितनी क्रेडिबिलिटी है सारी चीज़ें, इसको जूम कैसे करना है, पिक्चर की क्वालिटी क्या है, अंधेरे में अगर पिक्चर बनानी है तो ये कैसे बनानी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे शुड बी इन इट, ठीक है। उसके बाद वर्कशीट है, वर्कशीट पर प्रिपेयरिंग यूज़र मैनुअल्स, वर्कशीट में आपको बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने यूज़र मैनुअल लिखते हुए, तो काइंडली इसको आप अपनी बुक से ज़रा नज़र मार लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपने ये जो ऊपर चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये सारे स्टेप्स आपने डिस्कस करने हैं यूज़र मैनुअल के हवाले से। एक्सरसाइज है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज़ आप बाद में खुद देखिएगा। प्लीज़ मूव ऑन टू यूनिट नंबर 3। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 जो है इसको कंप्लीट करना है। द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 3 क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, और डॉक्टर शमीम अली ने ही इसको लिखा है और ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स है कि इसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ टू प्लान अ डॉक्यूमेंट और ड्राफ्टिंग और फिनिशिंग और एडिटिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि प्रपोजल क्या होता है और प्रपोजल को कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा समराइजिंग बताया जाएगा कि चीज़ों का खुलासा कैसे बयान करते हैं और इसके बाद डिफाइनिंग की चीज़ों को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, चीज़ों को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है, और वर्कशीट्स फॉर डिफाइनिंग, डिफाइनिंग की वर्कशीट है आखिर में, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस हैं इस यूनिट के, 8 सेक्शंस बनते हैं और वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। स्पीड थोड़ी जो है वो मेरी तेज़ होगी काइंडली क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है जो आपका फर्स्ट सेक्शन था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है तो काइंडली आप जो है वो साथ साथ फोकस कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा जी। 3.1 आपकी पहली जो हेडिंग है इस तीसरे यूनिट की वो है एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस के इसके अंदर आपको एक जनरल ओवरऑल आइडिया बताया जा रहा है कि जो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग होता है, जो राइटिंग का प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो नंबर 1 पे आगाज़ उसका होता है यहाँ से कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन है चाहे वो टेक्निकल कम्युनिकेशन है या आपकी डे टू डे कम्युनिकेशन है उसमें आगाज़ होता है सेंडर से कि एक बंदा है जो कि कम्युनिकेशन सेंड करता है यानी कि अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करता है और वो बंदा क्या करता है, कम्युनिकेट करता है यानी कि अपने मैसेज को कन्वे करता है एक मीडियम के ज़रिए। वो मीडियम रिटर्न हो सकता है, रिटर्न मैसेज हो सकता है, औरल मैसेज हो सकता है, आँखों से इशारा हो सकता है, कोई ईमेल हो सकती है, फ़ोन कॉल हो सकती है, डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। और ये मैसेज कन्वे होता है रिसीवर के पास कि एक बंदा होता है, एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिविजुअल है जो कि उस मैसेज को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद वो अपना फीडबैक लिखेगा कि उस मैसेज का मतलब जवाब जो है वो फीडबैक कहलाता है। वो फीडबैक जो है वो दोबारा वापस जो है वो सेंडर के पास जाएगा, सेंडर उस फीडबैक का दोबारा कम्युनिकेट करेगा जवाब रिसीवर को और ऐसा ये पूरा साइकिल है कम्युनिकेशन का जो कि गोल गोल दायरे में घूमता रहता है यानी कि कम्युनिकेशन ऐसे आती है। अब रिटन कम्युनिकेशन जो है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है जो दूसरा स्टेप है इस चैप्टर का वो है प्लानिंग योर डॉक्यूमेंट कि आप जब कभी भी कोई टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट आपने लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप उसमें क्या होता है, प्लान करना कि आपने उसका एक जो है वो मैप बनाना है, प्लान बनाना है कि मैंने इस कम्युनिकेशन को कैसे कैरी आउट करना है एंड हाउ विल आई कंप्लीट इट, ठीक है। तो द प्लानिंग स्टेज रिक्वायर्स रीडर या फिर जो राइटर है टू आस्क सर्टन इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस टू कैरी ऑन द कम्युनिकेशन के राइटर जो है उसको सबसे पहले कुछ अहम सवाल पूछने हैं अपने आप से और उन सवाल के जो जवाबात हैं वो आपको आपके डॉक्यूमेंट को प्लान करने में हेल्प करेंगे। द कम्युनिकेशन प्रोसेस मेनली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन विच कैन गाइड द रीडर टू प्लान whether the document will be brief or lengthy. Wordy expressions for minor situations and short messages for detailed situations create hurdles in communication and reflect negative expressions. During the writing process, the writer should ask the following question to himself. कि जो सवालात आपने अपने आप से पूछने हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको डॉक्यूमेंट को प्लान करने में। नंबर वन पे who is your audience? कि आप जो लेटर या जो मेमो या जो प्रपोजल लिखने जा रहे हैं या जो रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं वो आप किसके लिए लिख रहे हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ेगा कौन। दूसरा क्वेश्चन कि विच फॉर्मेट डज द डॉक्यूमेंट रिक्वायर, कि आप जो डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं ये जो रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर तो वो ज़्यादा लेंथ ही है, एक इदारे से दूसरे इदारे में जा रहे हैं तो वो रिपोर्ट की फॉर्म में होगा, फॉर्मल रिपोर्ट की फॉर्म में होगा। अगर उसकी लेंथ छोटी है और आप अपने इदारे में लिख रहे हैं तो वो आप लेटर की फॉर्म में या फिर मेमोरेंडम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी होल प्रोसेस, और ये पूरी रिपोर्ट कंपाइल करने में या प्रपोजल बनाने में कितना वक्त मुझे दरकार होगा। जब आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अपना डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे मतलब कि प्लान करना है, इस पर कितना वक्त और हर एक स्टेप जो है उस पर मुझे कितना वक्त लगाना है। दूसरा स्टेप जो है इसमें वो है सिचुएट योर डॉक्यूमेंट। एज मैंशनड अर्लियर द राइटर हैज़ टू एडजस्ट हिम और हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड बेटर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। के बाद लोग ये कहते हैं, शिकवा करते रहते हैं, ठीक है, कि देखिए जनाब मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, अगर ये होता तो मैं अपना काम जल्दी कर लेता, अगर ऐसा होता तो मेरा काम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम होता। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यू हैव टू इग्नोर दैन। और आपने करना क्या होता है कि जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन जिस सिचुएशन में आप मौजूद हैं उस सिचुएशन के मुताबिक आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ तो इसकी मिसाल ये है कि अभी जब ये वायरस आया, कोरोना वायरस का लॉकडाउन हुआ, तो इसमें तलीमी इदारे जो थे ऑब्वियसली उनको मतलब बंद कर दिया गया, सारे ममालिक ने किया, सिर्फ हमने नहीं किया। ठीक है, तो अब आप जो है वो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है उसको अप्रूव नहीं सकते। ये प्रोसेस जो है इट मस्ट गो ऑन, इसको जारी रहना है। और ये प्रोसेस कैसे जारी रहता है कि हमने स्विच कर दिया ऑनलाइन मीडियम, मतलब कि मीडियम पे हम इंटरनेट के ज़रिए हमने क्लासेस लेना शुरू कर दी, जैसे कि अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, तो अब हमने किया क्या कि हमने अपनी सिचुएशन के मुताबिक, हालात के मुताबिक हमने अपने आप को एडजस्ट किया। तो वो लोग जो कि हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं करते वो लोग अपना नुकसान करते हैं। तो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचें कि आपका गोल क्या है। अब हमारा मकसद क्या था, टीचिंग लर्निंग के जो पढ़ाई लिखाई का प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए बल्कि वो जारी रहना चाहिए। तो हमने फ़िज़िकल क्लासेस को ख़त्म किया और हम मूव करके ऑनलाइन क्लासेस पे, आप अपने घर में बैठ कर भी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप जो है वो पढ़ सकते हैं। हाउ मच प्रोजेक्ट नॉलेज डू यू हैव, दूसरा सवाल आप अपने आप से करेंगे कि भाई आपके पास कितना इल्म है, जो काम आप जो डॉक्यूमेंट आप लिखने जा रहे हैं उसके बारे में कितना नॉलेज है आपके पास। इज़ देयर एनी मॉडल टू हेल्प यू फोकस ऑन योर थिंकिंग, कि क्या आपके पास कोई सैम्पल डॉक्यूमेंट मौजूद है जो कि आपको गाइड कर सकता है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपके डॉक्यूमेंट को डिवेल्प करने में। आर ग्लोबल इशूज़ इन्वॉल्व, कि क्या इसमें कोई इंटरनेशनल इशूज़ तो इन्वॉल्व नहीं हैं। और लीगल और एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व, के क्या इसमें कोई लीगल कानूनी जो हैं वो पेचीदगियाँ या इस किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो तो इन्वॉल्व नहीं हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जब आप पूछेंगे अपने आप से तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी सिचुएशन में मौजूद हैं, आपकी क्या सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है। दूसरी चीज़ जो इस हवाले से वो ये है कि क्रिएट एन ऑडियंस प्रोफाइल। ये हम पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडियंस जो है उसकी प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। तो आपको पहले जानना होगा कि आपके ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो जो उनके साथ कम्युनिकेशन की जा रही है उसका मकसद क्या है कि हमने उनको कोई चीज़ बतानी है, हमने उनको कोई चीज़ बेचनी है, या हमने उनको कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने पे कन्विंस करना है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑडियंस आप अपनी ऑडियंस की पहले प्रोफाइल बनाएं कि आप जो है वो ये डॉक्यूमेंट इस बंदे को लिखने जा रहे हैं, वो बंदा इस डॉक्यूमेंट को क्यों पढ़ेगा, उसके पढ़ने की वजह क्या है, और वो वजह आपको हेल्प करेगी फोकस करने पे कि आपने डॉक्यूमेंट में किस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड स्टेप है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट प्लान। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट प्लान, जब आप एक प्लान बना लेंगे कि मैंने फलां दिन ये काम करना है, फलां दिन ये काम करना है, इतनी देर में मुझे अपना डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट करना है, तो ये प्लान जो है ये हेल्प करता है आपको आपके मैसेज को प्रॉपरली और कंफर्टेबली कंप्लीट करने में, और प्रॉपरली और कंफर्टेबली मतलब के डिलीवर करने में, ठीक है। तो इट आल्सो फैसिलिटेट्स द रीडर टू सेलेक्ट अ रीजनेबल यूनड्रॉप टू कंपाइल अप हिज इंफॉर्मेशन, और ये प्लान है कि आपको इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में भी हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद है जी डिज़ाइन योर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन करना, इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन करने से मुराद ये है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको मतलब कन्वे करने जा रहे हैं उसको, उसका सीक्वेंस बनाना, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना। चीज़ें हमेशा तरतीब में अच्छी लगती हैं, बेतरतीब चीज़ें, बेतरतीब इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़लेस होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन या जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको एक तरतीब लगानी है। जैसे हमने ऊपर यूज़र मैनुअल में पढ़ा कि हम जो है वो चीज़ों को जो है वो उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से कि चीज़ों को कैसे जोड़ा गया उस सीक्वेंस में हम जो है वो यूज़र मैनुअल प्लान करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेमो है या कोई रिपोर्ट है तो इसको आप जो है वो मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि टाइम के हिसाब से कि जिस सीक्वेंस में या जिस तरतीब में चीज़ें जो हैं वो सर अंजाम दी जा रही हैं उसी सीक्वेंस में आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगी तो जो आपका रीडर है उसकी अटेंशन आप हासिल कर पाएंगे। अगर आपकी जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट है, जो मैसेज है उसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट नहीं है तो आपका रीडर जो है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा और वो आपके डॉक्यूमेंट में कोई इंटरेस्ट खास जो है वो उसको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को अरेंज करना, सीक्वेंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। आफ्टर दैट डिज़ाइन योर टेम्पलेट। टेम्पलेट से क्या मुराद होती है? टेम्पलेट्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं। एप्लीकेशन का टेम्पलेट है, किसी भी चीज़ का टेम्पलेट आप देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे MS वर्ड आपके सामने ओपन करूँ तो आपको इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स जो है वो बने बनाए नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये इसको मैंने अपना वाटर मार्क पर मैंने टिक किया तो ये यहाँ पे मुझे बने बनाए टेम्पलेट इसके कि अगर आपने कॉन्फिडेंशियल वाटर मार्क करना है तो आप ऐसे करना चाहते हैं, वर्टिकल है, सीधा करना चाहते हैं, डू नॉट कॉपी लिखना चाहते हैं तो मैं ऑटोमेटिकली करूँगा तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास वाटर मार्क टेम्पलेट जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, यानी मतलब डॉक्यूमेंट का अंदाज जो है कि किस स्टाइल में आपने डॉक्यूमेंट जो है उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो वो टेम्पलेट कंपनीज जो होती हैं उनके अपने बने बनाए भी होते हैं और आप अपना डिज़ाइन जो है वो खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो कीपिंग इन योर रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी ज़रूरत है और जो आपको डायरेक्शंस हदायत दी गई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने फैसला करना है कि आपने बना बनाया टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करना है या फिर जो है वो आपको अपना टेम्पलेट जो है वो खुद डिज़ाइन करना है, ठीक है। इसके बाद है क्रिएट अ प्रोडक्शन शेड्यूल कि एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ इट्स प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, द राइटर डिवेल्प्स अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड फॉलोज द लिस्ट कि जब कभी भी आप कोई मतलब काम करने लगें तो उसमें आप एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी और वो किस सीक्वेंस में होंगी। अब आप उस लिस्ट को और उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए जो है वो डॉक्यूमेंट को प्लान करना, डॉक्यूमेंट को राइट करना, जॉट डाउन करना इजी हो जाएगा। अगर आप उस रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल क्रिएट डिफ़िकल्टीज फॉर योरसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है जी ड्राफ्ट एंड फाइनलाइज योर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखना, लिखना यानी कि रफ़ राइटिंग। इट इज़ नॉट फिनिश्ड कि जो आखिरी आपने मैसेज भेजना है, इट इज़ वो नहीं है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है रफ़ फॉर्म में जो है वो डॉक्यूमेंट को अपने पास लिख लेना, फिर बाद में उसको इम्प्रूव करना। तो ये जो हेडिंग है इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने ड्राफ्ट कैसे लिखना है और फिर उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज कैसे करना है। जी ड्राफ्टिंग जो होती है बेटा ये बेसिकली तो जो है ना प्लानिंग का हिस्सा होती है, ठीक है। जब कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्लान कर रहे हैं, जब कभी भी आप कोई रिपोर्ट प्लान कर रहे हैं, कोई मजमून प्लान करने जा रहे हैं या कोई मेमो प्लान करने जा रहे हैं, तो उसमें जो आपकी प्लानिंग का फाइनल स्टेप होता है उसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग रफ किस्म का जो मैसेज होता है उसके बाद उसको आप जो है उसको अपना फिनिशिंग टचेस देते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, उसमें चेंजेस रीमॉडिफाई मॉडिफाई करते रहते हैं उसको, और उसके बाद फाइनल जो है वो तैयार होता है, ठीक है। तो अब ये इंफॉर्मेशन प्रपोजल जो होता है, मतलब प्रपोजल जो भी है आपका या जो रिपोर्ट है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है? तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसर्च करने से आती है। फॉर एग्जांपल आपको कंपनी के बॉस ने कोई टास्क दे दिया कि जनाब आप जो है वो फलां फलां चीज़ के ऊपर जो है वो रिपोर्ट लेकर आए। अब आप जब अपने आप को देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये ना तो मेरा सब्जेक्ट था, ना मैंने कभी इस चीज़ के बारे में पढ़ा और मेरे पास तो इस चीज़ के बारे में कोई इल्म ही नहीं है। तो वो इल्म आप कहाँ से हासिल करेंगे? ऑब्वियसली फिर आप जाएंगे, आप इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे, आप उसके बारे में किताबें पढ़ेंगे और आप अपने आप को सबसे पहले तो उसके बारे में एजुकेट करेंगे। अगर आप एजुकेट नहीं करते तो आपको कंपनी के अंदर समझा जाएगा कि आप इनकम्पिटेंट पर्सन हैं, ठीक है। तो जो भी टास्क आपको दिया जाता है आपको सबसे पहले उसके बारे में आपने पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, एंड देन यू शुड डू इट, ठीक है। उसके बाद आपने करना है, अदरवाइज यू विल बी कैटेगराइज्ड कि ये बंदा जो है वो इनकम्पिटेंट है और इसको कोई चीज़ जो है वो नहीं आती। तो रिसर्च करना और इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करना ये ड्राफ्टिंग से पहले का स्टेप है, ड्राफ्टिंग का हिस्सा है और आपको इस चीज़ को करना चाहिए। उसके बाद है डिज़ाइन योर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प योर रीडर्स, की आपने इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन, ये बात मतलब ऑलरेडी हो चुकी है कि हमने इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे सीक्वेंस में जो है वो ऑर्गेनाइज करना होता है। सीक्वेंस जो होता है वो लॉजिकल होना चाहिए और वो सीक्वेंस हेल्प करता है आपके रीडर्स को अंडरस्टैंड करने में, समझने में चीज़ को। ये जो आपका मैसेज है, दो इसके मेथड्स होते हैं, एक होता है डिडक्टिव मेथड और एक होता है इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो है ये जनरल से स्पेसिफिक की जानिब हम मूव करते हैं कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करने शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी जनरल बात करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो स्पेसिफिक बात की जानिब मूव करते हैं। जो इंडक्टिव अप्रोच होती है वो ये होती है कि हम स्पेसिफिक बात से शुरू करते हैं और बाद में जो है वो हम जाके जनरल की जानिब उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन करना है कि आप अगर समझते हैं कि आपके लिए डिडक्टिव मेथड ज़्यादा सूटेबल है तो आप डिडक्टिव मेथड को फॉलो करें। इफ़ यू बिलीव दैट डिडक्टिव इज़ नॉट सूटेबल एंड इंडक्टिव मेथड इज़ सूटेबल तो आप इंडक्टिव मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप जो है वो फॉलो करें। यूज़ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग्स इंट्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट सेटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर्स मे हेल्प द रीडर to grasp the details. The writer may assist a reader in three ways, के तीन ऐसे methods हैं कि जिसमें जो writer हैं वो reader की help कर सकते हैं। Number one पे they can help in define the terms, कि आप जो difficult terms हैं उनकी definition proposal या report के अंदर आप लिखेंगे तो उससे ये होगा कि आपके readers जो हैं उनको difficulty नहीं होगी, वो उसको easily जो है वो समझ सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो रीडर्स हैं उनको बताना है कि आपके लिखने का मकसद क्या है, ठीक है, कि आपके लिखने का मकसद क्या है, कि आप उनसे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं। अगर आपने ये चीज़ उन तक मतलब के कन्वे कर दी है तो इट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल है, ठीक है। व्हेन ही अंडरस्टैंड्स दी, जब आपके जो रीडर्स हैं वो समझ जाते हैं कि आपके लिखने की वजह क्या है, तो आपका मेन पर्पस जो होता है डॉक्यूमेंट का वो अचीव हो जाता है। और अगर आप ये नहीं समझा पाते कि आपके लिखने का मकसद क्या है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो फेल्ड कम्युनिकेशन जो है वो उसके ज़ुमरे में आएगी। तो इट मीन्स कि इट इज़ अ लॉस, ये आपका क्या है, नुकसान है। ठीक है, इसके बाद ये प्लेस इम्पोर्टेंट मटेरियल एट दी टॉप, की जो रिपोर्ट होती है, ये जो प्रपोजल है, उसमें जो सबसे अहम मटेरियल है उसको आप सबसे टॉप पे रखते हैं। सबसे टॉप पे अहम मटेरियल को क्यों रखा जाता है, उसकी रीज़न होती है, उस रीज़न ये होती है कि बिज़नेस की फील्ड में या गवर्नमेंट की फील्ड में लोगों के पास पूरी पूरी हज़ार पेजेस की किताबें पढ़ने का टाइम जो है वो नहीं होता। पीपल हैव शॉर्ट टाइम, थोड़ा वक्त होता है लोगों के पास, तो जो सबसे अहम इन्फॉर्मेशन है उसको आप आगाज़ में लिख देते हैं ताकि जो आपका मेन मकसद है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इससे अगर आप इंफॉर्मेशन जो है वो टॉप पे नहीं लिखते, आप कहीं मिड में लिखते हैं या कहीं आखिर में जाके लिखते हैं, तो इसके नतीजे में ये होगा कि आपका जो रीडर है उसको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। जब वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो उसके लिए इनकन्वीनियंस पैदा होगी और उसके लिए मुश्किल पैदा होगी, वो इरिटेट होगा, और जो इरिटेशन है वो नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करती है। उसके नतीजे में आपको हो सकता है रिफ्यूज़ल या आपको कुछ नुकसान जो है वो उठाना पड़ जाए, रिजेक्शन हो आपको। ठीक है, उसके बाद है जी यूज रेपिटिशन एंड सीक्वेंसिंग। रेपिटिशन जो होती है, रेपिटिशन से मुराद ये नहीं है कि आप एक ही जुमला या वही जो अहम मटेरियल आपने इकट्ठा किया है आप उसको बार बार जो है वो रिपीट करते रहें, इट इज़ नेवर एडवाइज्ड। रेपिटेशन से मुराद ये होती है कि जिस भी टॉपिक पे आप प्रपोजल बना रहे हैं या आप असाइनमेंट बना रहे हैं, वो टॉपिक के जो की वर्ड्स हैं उनको आप जो है वो हर पैराग्राफ में किसी न किसी तरीके से रिपीट करें ताकि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट कायम रहे, उसको पता चले कि मतलब बार बार उसके जहन में ये बात आती रहे कि बात किस चीज़ के बारे में हो रही है। ठीक, क्योंकि बाज़ अवत लोग ये होता है कि इंटरेस्ट जो है वो खो देते हैं, उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है डॉक्यूमेंट में और उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या चीज़ मतलब के पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर कीवर्ड्स के जो आपका मजमून है, जो आपका उन्वान है, उसको आप किसी तरीके से हर पैराग्राफ के अंदर रिपीट कर दें तो ये है कि उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है आपके रीडर का उसके अंदर कायम रहता है। ठीक है, ओवर रेपिटिशन जो है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कि आप एक चीज़ को जो है वो हद से ज़्यादा रिपीट ना करें, एक हद तक। ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल में रखें और उनको हद से ज़्यादा रिपीट ना करें। उसके बाद है यूज़ कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर्स। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द रीडर बिकॉज वंस शी और ही हैज़ फॉलोड द लॉजिक इन द स्ट्रक्चर या शी विल बिहेव पॉजिटिवली। कि जिस अंदाज़ में आपने अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन किया है वो अंदाज़ बहुत अहमियत रखता है, और अगर आपके रीडर को आपका डॉक्यूमेंट अरेंज करने का अंदाज़ कि जिस सीक्वेंस में आपने बातों को लिखा है वो सीक्वेंस अगर आपके रीडर को समझ आ गया है तो उसके बाद आपके लिए आसानी होती है और आपको जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो हज़ारों डॉलर्स जो है वो टेक्निकल राइटर्स को पे करती हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल राइटर्स जो होते हैं उनकी मतलब ग्रिप होती है इस चीज़ पे कि चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करना है, चीज़ों को कैसे तब्दील करना है, मॉडिफाई और रीमॉडिफाई करना है ऑडियंस की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला जो है जो एक डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने का है वो ये है कि आप इंट्रोडक्शन से आगाज़ करें, उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लेन करें, उनको डिस्क्राइब करें, और उसके बाद इलस्ट्रेशंस ऑफ दी फिगर्स यानी कि कोई पिक्चर्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह अगर आपने डालने हैं तो वो इसके बाद। और जो हमेशा डॉक्यूमेंट का क्लोजिंग होती है वो अपीलिंग सेंटेंस, एक अच्छे मतलब खुशगवार किस्म के जुमले पे डॉक्यूमेंट का अख्ताम करें ताकि जो आपका रीडर है उसके जहन में आपका एक अच्छा इम्प्रेशन आ जाए। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है इसका राइटिंग प्रोसेस का वो है एडिटिंग। एडिटिंग का अगर आप देखें मतलब क्या होता है, तो एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपने लिखी है उसको दोबारा से पढ़ना और उसमें से गलतियाँ निकालना। वो गलतियाँ निकालने के प्रोसेस को हम एडिटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ करेक्शन, कंसंट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनी अदर एडजस्टमेंट्स। कि आप दोबारा से चीज़ों को रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, आप दोबारा से चीज़ों को कॉन्सनट्रेट भी कर सकते हो, आप गलतियाँ भी जो है वो स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक्स उनको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो है वो एडिटिंग में आता है। अब अगर आप देखें कि एडिट का रोल कहाँ पर है, ठीक है, तो नंबर 1 पे आप जो है वो सोचते हैं, दूसरे नंबर पे यू राइट, राइटिंग के बाद तीसरे नंबर पे आपकी एडिटिंग आती है। और जब आप एडिटिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप उसको मज़ीद जो है वो पॉलिश करते हो, मज़ीद रिफ़ाइन करते हो, मज़ीद चीज़ें उसके अंदर। अगर कहीं पे आपको फील होता है कि देयर दैट यू नीड टू ऐड समथिंग, तो आप वहाँ पर उसको ऐड करते हो, ठीक है। जहाँ तक एडिटिंग का ताल्लुक है कि इस एडिटिंग को सरंजाम कौन देता है, तो इसमें सीनियर एग्जेक्टिव एडिटर्स होते हैं, ठीक है। ख़ास किस्म के लोग जो हैं वो हायर किए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए, और उनका काम ये होता है कि वो फाइनल छपने से पहले उसकी एडिटिंग करते हैं। द स्मॉलर द पब्लिकेशन द मोर दीज रोल्स ओवरलैप। कि जहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये रोल्स जो हैं राइटिंग के और एडिटिंग के और प्रूफ रीडिंग के ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेज है आपका एडिटिंग का, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को रिफ़ाइन करते हो, उस वक्त तक रिफ़ाइन करते रहते हो कि अनटिल एवरीथिंग इज़ करेक्ट, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर सरफेस एंड कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स। के जो चीज़ें बाज़ का फॉर्मेट में नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ें गलत हैं, कंसिस्टेंसी के इश्यूज़ हैं, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, बेसिक मतलब ग्रामर जो है, पेज का फॉर्मेट कैसा है, जो फैक्ट्स आपने मतलब कोट किए हैं, जो आपने नंबर्स कोट किए हैं वो एक्यूरेट हैं या उनमें कोई गलती है, ठीक है। तो व्हेन एवर यू एडिट आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने नंबर कोट किया है, इज़ दिस नंबर करेक्ट, कि ये नंबर ठीक है या इसको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है। देन यू चेक दैट इज़ दिस कंसिस्टेंट, कि क्या ये चीज़ कंसिस्टेंट है, यानी कि एक ही लेवल पे चल रही है, और डू आई नीड टू चेंज दिस। इन जनरल यू एडिट बाय कंस्ट्रक्टिंग इन चेक लिस्ट। के आप एक चेक लिस्ट बनाते हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो एडिटिंग करते हो, ठीक है। सो टू एडिट इफेक्टिवली यू मस्ट सेट सिमिलर बेंच मार्क फॉर योर वर्क। टिपिकली बेंच मार्क्स आर डिवाइडेड इंटू कैटेगरीज विद स्टेटमेंट्स ऑफ quality levels. Below is the sample benchmark set for the web documents created early in a college technical writing course, ठीक है। जो benchmark है आपका style और design के हवाले से, वो ये होता है कि no spelling और grammar errors, के इसके अंदर कोई spellings की और grammar की गलती नहीं होनी चाहिए। Information design में मतलब कि title page होना चाहिए, introduction होना चाहिए उसका, ठीक है। introduction जो है वो पूरे document का background और उसकी direction उसको set करे, और उसके बाद उसके बॉडी के सेक्शंस जो हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। इसके बाद पेज का डिज़ाइन जो है, उसमें फ़ॉन्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड आप देखें कि रोमन हैं और इतने लार्ज इनफ उनका साइज़ है कि वो इजीली पढ़े जा सकते हैं, और हेडिंग्स का पता चले कि ये हेडिंग्स हैं, मतलब कि हेडिंग्स और नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो इंटरमिक्स नहीं होनी चाहिए। विजुअल डिज़ाइन के विजुअल जो आपने इमेजेस या मतलब ग्राफ्स वगैरह ऐड किए हैं, वो अपनी मखसूस जगह पे होने चाहिए और उस जगह पे कि जहाँ पे उनको उनकी ज़रूरत है, ठीक है। विजुअल्स आर इफेक्टिवली सीज्ड, कैप्शनड एंड रेफरेंस्ड, ठीक है। नेविगेशन डिज़ाइन, एवरी लिंक वर्क्स। के नेविगेशन जो है कि जो लिंक आपने दिए हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो लिंक्स जो है दे शुड बी वर्किंग लिंक्स। लिंक साइज एंड प्लेसमेंट इंडिकेट द टाइप ऑफ कंटेंट दैट इट कनेक्ट्स टू। लिंक्स प्रोवाइड हेल्पफुल पाथ्स थ्रू दी वर्क। के लिंक जो है वो हेल्प करते हैं आपके रीडर की कि वो इजीली नेविगेट कर सके विद इन दी डॉक्यूमेंट। चेकलिस्ट बनाना जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो स्ट्रेटजी होती है। मतलब कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, हमारा माइंड ऐसे डिज़ाइन नहीं है कि हम एट द सेम टाइम सारे एरर्स जो हैं उनको पढ़ लें, सारे एरर्स को हम डिटेक्ट कर लें। तो बेहतर ये होता है कि हम एरर जो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को जहन में रखते हुए एक एक चीज़ का हम जायज़ा लेंगे। अगर हमने चेक लिस्ट में फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम एपिस्ट्रॉफी की गलतियां देखें, ठीक है। उसके बाद हम स्पेलिंग मिस्टेक्स देखें, उस पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को देखें। फिर हम हेडिंग की कंसिस्टेंसी देखें कि हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उस हिसाब से हेडिंग्स को ठीक इस्तेमाल किया है। उसके बाद फॉर्मेट की कंसिस्टेंसी देखनी कि जनाब आपने एक जैसे फ़ॉन्ट्स और एक जैसा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इस्तेमाल किया है या कि इसमें कुछ वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो ये अगर आप चेक लिस्ट बना लेंगे तो चेक लिस्ट जो है वो आपको आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी गलतियों को ईज़िली डिटेक्ट करने में, ठीक है। द फॉलोइंग पैराग्राफ्स डिमॉन्स्ट्रेट द टाइप्स ऑफ डिसीजंस दैट यू मेक व्हेन यू एडिट। द गोल इज़ टू करेक्ट एरर्स इन स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, ग्रामर एंड कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन। वर्जन 1 इज़ द ओरिजिनल वाइल वर्जन 2 इज़ द एडिटेड वन, ठीक है। वर्जन नंबर 1 जो है ये ओरिजिनल रिपोर्ट है जो कि लिखी गई थी, उसके बाद जो उसकी एडिटिंग हुई, ठीक है। तो द डिटेल टेक्निकल रिपोर्ट टू अपर मैनेजमेंट विल बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। इट मस्ट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द मशीन, इट्स ऑपरेशन एंड द ऑपरेशन ऑफ इट्स सब सिस्टम्स एंड असम्बली मेथड्स विल आल्सो बी प्रेजेंटेड, ठीक है। इट विल आल्सो इंक्लूड ऑल डिज़ाइन कैलकुलेशंस फॉर लोड्स, stress, velocities and acceleration. अब justification for the choice of material of subsystem. अब ये जुमला आप देखें तो ये जुमला incomplete है ना, ठीक है। इसमें जो है वो verb नहीं है। An example might be the rationale for using plastic rather than steel and using mechanical linkage compared to hydraulic circuit. The report also details the cost of material and parts, ठीक है। तो इसमें इशू क्या है कि इसमें अनक्लियर टॉपिक सेंटेंस है कि टॉपिक सेंटेंस से हमें कुछ पता नहीं चल रहा। लिस्ट एलिमेंट्स आर इनकंसिस्टेंट, ये जो एलिमेंट्स की लिस्ट है ये इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे एंड का वर्ड आ गया, ये देखेंगे कैपिटल है, जो फर्स्ट वन है उसको स्मॉल है, तो ये इनकंसिस्टेंसीज हैं इसमें, ठीक है। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हैं, ये यहाँ पे या ये सेंटेंस मतलब के फ्रेगमेंटेड है, इट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस। मिसयूज्ड सेमी कॉलम्स हैं कि सेमी कॉलम का इस्तेमाल गलत किया गया है किसी जगह पे, इन्होंने लिखा है ये, हाँ यहाँ पे कॉलम होना चाहिए, सेमी कॉलम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ मिस्टेक। वर्टिकल लिस्ट मिस एम्फसिस कंटेंट की जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है वो भी गलत है, ठीक है। तो अब ये उसकी एडिटेड वर्जन है। अब यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने कॉलम का इस्तेमाल ठीक से किया है। द मशीन्स पर्पस एंड ऑपरेशन जो है दो चीज़ों को कंबाइन करके एक चीज़ बना दी गई है। द ऑपरेशन ऑफ इट्स सब सिस्टम्स एंड मेथड टू असम्बल इट, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप है, ठीक है। अब यहाँ से ये बेसिकली इनकी किताब की टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ से नया पैराग्राफ होना चाहिए था। इट आल्सो इंक्लूड्स, अब इफ़ यू लुक एट इट तो ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हैं, इनमें कोई मिस्टेक जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर टॉपिक सेंटेंस है, लिस्ट कंसिस्टेंट है, टू एग्जांपल्स सजेस्टेड हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोड्यूसिंग दी डॉक्यूमेंट, कि जब हम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं वंस जब एडिटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो इट नीड्स रिव्यू। जब आपका डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसको रिवीजन की और करेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि एडिटिंग में आपको पता चल गया कि आपने क्या चीज़ें देखनी है। हेडिंग्स को देखना है, सब हेडिंग्स को देखना है, आपने ये इंश्योर करना है कि है द हेडिंग्स आर नंबर्ड, कि उनको नंबर जो है वो मतलब करेक्ट लगाया गया है। कंप्यूटर के अंदर जो है जो MS वर्ड है उसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को और ग्रामर मिस्टेक्स में उनको हाईलाइट कर देता है और आप जो है उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्कशीट फॉर एडिटिंग है कि जब आप एडिटिंग मतलब के करने जा रहे हो तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 हेड फॉर्मेट का ख्याल रखें, टाइपोग्राफिकल आइटम्स का ख्याल रखें, हैंडलिंग ऑफ लिस्ट, हैंडलिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ इसका ख्याल रखें, रेफरेंस टू द फिगर्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंट वर्ड यूज़ के अल्फाज का और ग्रामर का इस्तेमाल जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। एडिटिंग विद अ वर्ड प्रोसेसर, वही बात आ गई कि जनाब जो MS वर्ड है उसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि आपकी स्पेलिंग्स को, आपकी बेसिक जो है ग्रामर की मिस्टेक्स उनको चेक तो कर देता है, ठीक है। लेकिन ये एम एस वर्ड के स्पेलिंग चेकर का आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि नंबर वन तो आप उसको रन करें स्पेलिंग चेकर को, तो जहाँ जहाँ पे गलती होगी वो आपको गलती बता देगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि सेटिंग उसकी ऑटो करेक्ट पे रखें ताकि वो स्पेलिंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक करता जाए। यूज़ योर ग्रामेटिकल चेकर फॉर योर की प्रॉब्लम्स के ग्रामर चेकर जो है उसका भी इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको सेंटेंस प्रॉपर बनाने की समझ नहीं आ रही। आफ्टर यूजिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर प्रूव फ्री टू फाइंड एनी ओके बट रॉन्ग वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज फॉर THERE एंड लक यूज फॉर लिंक, ठीक है। तो बेसिकली मैं ऑटो करेक्ट का हामी इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि बाज़ बात वो जब आप टाइप करते हो तो आपने कोई और वर्ड लिखना होता है और वो आपको जो है वो गलत वर्ड लिख के दे देता है। तो मैनुअल करेक्शन जब होती है, जब हम रन करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो फिर आपको हर वर्ड के जो पॉसिबल स्पेलिंग्स होते हैं उसकी वो लिस्ट मुहैया करता है, तो उनमें से जो आप ठीक वर्ड लिखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट सेक्शन है बेटा आपके इस चैप्टर का वो है राइटिंग प्रपोजल। अब ये प्रपोजल क्या चीज़ होती है? प्रपोजल जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें आप जिसको आप कुछ लोगों के सामने पेश करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि उन लोगों से आपने या तो जो है वो मतलब कि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ग्रांट लेनी होती है, या फिर ये है कि आपने थीसिस लिखना है और थीसिस का टॉपिक जो है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए कमेटी बैठती है तो उसके लिए प्रपोजल लिखा जाता है। तो इसके डिफरेंट जो है वो मकासद होते हैं। इट कुड बी रिसर्च प्रपोजल, इट कुड बी बिजनेस प्रपोजल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड क्या है जी। सो एज़ फार एज राइटिंग प्रपोजल इज़ कंसर्न, तो प्रपोजल के अंदर जो है एक ऐसा लेटर होता है कि जिसके अंदर आप एक मतलब कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सलूशन और आइडेंटिफाई करते हो और आप एविडेंस देते हो कि अगर ये स्टेप्स जो हैं ये अपनाए जाएं तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है इट कुड बी सॉल्व। इसके अलावा डिफरेंट प्रपोजल हो सकते हैं कंपनी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, मशीन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, कंपनी इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड मनी फॉर द कंपनी। तो डिफरेंट नेचर के प्रपोजल जो हैं वो लिखे जाते हैं। 2 टाइप्स के प्रपोजल्स होते हैं, देर आर वन प्रपोजल, एक जो होता है उसको हम एक्सटर्नल प्रपोजल कहते हैं, एक प्रपोजल इंटरनल प्रपोजल होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिज़नेस प्रपोजल की ना, कि जब आप किसी दायरे में जॉब कर रहे होते हो तो आपको टेक्निकली वहाँ पे प्रपोजल लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप जो है वो लिखें प्रपोजल तो वो लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाता है। जहाँ तक कंपनीज़ का ताल्लुक है तो वो लेटर के फॉर्मेट में अपना प्रपोजल डिवेल्प करते हैं। तो जहाँ तक लेटर का फॉर्मेट है और टाइपिंग का ताल्लुक है तो उसमें आपने जो है वो जस्टिफाइड लेफ़्ट साइड जस्टिफाइड ब्लॉक स्टाइल हेडिंग्स और बॉडी यूज़ करनी है। आप सब अपना नाम, अपनी जॉब का टाइटल और अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे और उसके बाद जिस अपनी कंपनी का एड्रेस वगैरह आप लिखें, ठीक है। एक लाइन खाली छोड़ें, उसके बाद डेट लिखें। अगर आप अमेरिकन हैं तो आप पहले महीना लिखें और अगर आप इफ़ यू आर नॉट अमेरिकन तो आप जो है वो पहले दिन लिखें, उसके बाद महीना लिखें, फिर उसके बाद जो है वो आप साल लिखें, ठीक है। एक लाइन और खाली छोड़ें और उसके बाद जिस बंदे को आप प्रपोजल भेज रहे हैं उसको आप जो है वो प्रपोजल उसका टाइटल वगैरह और उसका एड्रेस वगैरह वो सारा मेंशन करें, ठीक है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जनाब हम प्रपोजल कैसे मतलब के लिखें या हम कैसे प्लान करें, तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 उसमें कि डिफ़ाइन योर ऑडियंस, कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। अब ये ऑडियंस पे मैं जो है वो डिटेल में बात नहीं करूँगा, उसकी रीज़न क्या है कि हम ऑलरेडी पता है कि ऑडियंस कौन होते हैं और ऑडियंस की अहमियत क्या है, कि यानी कि वो शख्स कि जिसने आपका प्रपोजल जो है पढ़ना है, उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, वो आपकी ऑडियंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रपोजल कौन पढ़ने जा रहा है, जो आप इशू प्रेजेंट कर रहे हैं उस इशू के साथ उनका कितना नॉलेज है, उनका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है या उनका एटीट्यूड इस मसले की जाने पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज, अपनी टोन उसको सॉफ्ट रखें, धीमा रखें, तो देयर विल बी नो इशू फॉर यू, ठीक है। डिफाइन योर इशू, उसके बाद जो है आप का अगला स्टेप जो प्रपोजल के अंदर होता है कि जो मसला है उस मसले को डिफाइन करें। ठीक है, क्लियरली आपका जो रीडर है उसको पता चल जाना चाहिए कि भाई क्या मतलब कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की नेचर क्या है और उससे क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, जब आप अपना इशू जो आपका मसला है वो आप लोगों के सामने ठीक से ओपन करके रखते हैं तो उसके बाद जो लोग हैं वो सॉफ्ट हार्टेडली आपकी बात को सुनते हैं। ठीक है, जब कभी भी आप रिसर्च प्रपोजल प्लान करने लगें तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि व्हाट इज़ द सिचुएशन दिस इशू अप्लाइज़ टू, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं, आर वी श्योर दैट दोज एंड नॉट अदर्स आर द रियल रीजंस, हैज़ एनीवन एवर ट्राई टू डील विद दिस इशू बिफोर, कि हमसे पहले क्या कभी नहीं किसी बंदे ने यह मसला हल करने की कोशिश की है, इफ़ येस कि अगर की है तो हैज़ इट वर्कड, इफ़ नो अगर नहीं तो वाई नॉट, कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद डिफ़ाइन योर सोल्यूशन, के मसला आपने जब आइडेंटिफाई कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया, तो उसके बाद अब आपने उस मसले का सोल्यूशन भी प्रपोज करना है। तो आपके जहन में जो सोल्यूशन आ रहा है उसको बिल्कुल ओपनली अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करें। प्रपोजल के अंदर जो बेसिकली आप करते यही हो कि आप किसी मसले का सलूशन प्रपोज करते हो, लेकिन उस सलूशन को इम्प्लीमेंट करना आपकी अथॉरिटी नहीं होता, बल्कि वो आपसे हायर लेवल के लोग जो होते हैं, इट इज़ देयर अथॉरिटी। सो आपको उनका अप्रूवल चाहिए होता है, तो अप्रूवल लेने के लिए आपको उनको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि भाई वाकई जो आपने प्रपोज़ल दिया है वो इट इज़ दी बेस्ट सलूशन। ठीक है, another helpful way in thinking about this solution is in terms of outcomes and deliverables, कि आउटकम्स आर क्वान्टिफाइबल रिजल्ट्स ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका प्रपोजल ये है कि फॉर अ बिजनेस प्रोजेक्ट एंड योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड आउटकम माइट बी इंक्रीज प्रॉफिट बाय $100,000, डिलीवरेबल्स आर द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज दैट यू विल डिलीवर विद योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल अ प्रपोजल फॉर साइंस प्रोजेक्ट कुड डिलीवर अ वैक्सीन, अ न्यू ड्रग, के देखें ना वैक्सीन्स और ये भी बनती हैं, ड्रग्स वगैरह मेडिसिन बनती हैं, तो हर एक चीज़ जो है उसका सबसे पहले एक मतलब के प्रपोजल बनाया जाता है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स दे नीड फंडिंग, कि जब भी आप कोई नया काम करने लगें तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और देयर आर रिच पीपल कि अगर आप अच्छा प्रपोजल लिखें तो वो आपको अच्छे पैसे दे देते हैं कि आप इसका सलूशन ढूँढ कर लाएँ। जो चौथी चीज़ है प्रपोजल के हवाले से that you should keep in mind is style, के आप depending upon your proposal and who will be reading it, you need to cater for your paper to fit certain style, के style का ख्याल रखें कि आप जो है वो कैसे persuasive होंगे, कि कैसे आप उस बंदे को राज़ी करेंगे कि वो आपकी बात से agree करे, आपकी बात को मान ले। Convincing proposals can use emotional appeals but should have always rely on फैक्ट्स एज ए बेड रॉक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि ठीक है आप जज्बाती लैंग्वेज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन जज्बात जो हैं दे शुड बी बैक्ड बाय द फैक्ट्स, के हकायक जो हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना, उनका भी ख्याल आपने ज़रूरी रखना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ प्रपोजल टू स्टार्ट पैंडा कन्वर्सेशन प्रोग्राम कुड मेंशन हाउ said it would be for children of future generation to never see a panda again, but it should not stop there, it would need to be based on its argument, fact, solution for the proposal and be convincing, कि आपका proposal जो है वो convincing होना चाहिए कि लोग उसको सुनने के बाद convince हों, आपकी बात से agree करें। Avoid writing in jargon, वही बात जो कि ऊपर बताई गई थी कि jargons, इसके अलावा जो है स्लैंग लैंग्वेज होगी, ईडियम्स, इनका जो है वो इस्तेमाल ना करें, सीधी सीधी लैंग्वेज में प्लेन सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें ताकि अगले बंदे को आपकी बात समझ आए। उसके बाद एक आउटलाइन बनाएं और उस आउटलाइन को फॉलो करें तो आपके पास यू विल हैव योर प्रपोजल। इसके बाद है ये टाइप्स, इसकी पहली टाइप आ गई एक्सटर्नल प्रपोजल। जहाँ तक एक्सटर्नल प्रपोजल का ताल्लुक है तो एक्सटर्नल प्रपोजल जो है जैसे कि इसके नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इट इज़ रिटन फ्राम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जब कभी भी गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट रन करना होता है, आजकल हमारे यहाँ डैम्स पे काफ़ी काम हो रहा है। ठीक है, तो दया मीर भाषा डैम के हवाले से जब हुई बात तो गवर्नमेंट ने आरएफपी का इश्तिहार दिया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का इश्तिहार ये होता है कि आप जो है वो उस एरिए में जाएं, वहाँ पे देखें और उसके बाद आप अपना प्रपोज़ल लेकर आएँ कि आप कितने पैसों में हमें ये चीज़ बना कर देंगे। ठीक है, तो अब प्राइवेट कंपनियां जो थी बड़ी बड़ी, उन्होंने जाके जगह का मुआयना किया और उन्होंने अपने अपने प्रपोजल दिए। तो उसमें दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर था, चाइनीज़ कंपनी और हमारी FWO जो है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा प्रपोजल जो है वो दिया। ठीक है, तो इसके अलावा हमेशा जो है वो मुख्तलिफ़ इदारे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो प्रपोजल मांगते रहते हैं। ठीक है, तो अखबार अगर आप मतलब कि देखते हो तो आपको पता चलेगा कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो उसके अच्छे खासे इश्तिहार जो है वो अखबार के अंदर मौजूद होते हैं। इस टाइप के जो एक्सटर्नल होते हैं प्रपोजल, दे आर हाईली फॉर्मल, वो बिल्कुल संजीदा अंदाज में लिखे जाते हैं और उनकी लेंथ जो है वो 4 to 5 पेजेस से लेके हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पर होती है, डिपेंडिंग अपॉन के नेचर क्या है। अगर आप मतलब के डैम के हवाले से था तो उसके हवाले से जो है वो ज़ाहिर है लेंथ ही होगा। जैसे ये रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा था तो उसकी पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई गई, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो हज़ारों पेजेस पे मुश्तमिल थी। ठीक है, तो ये हमेशा ये इदारों के बीच में इस किस्म के जो है वो रिलेशंस कायम रहते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स टू सेंड देम प्रपोजल फॉर न्यूमरस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के हुकूमतें जो हैं वो प्राइवेट कंपनियों से जो है वो प्रपोजल मांगती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, जो कोई बिल्डिंग बनानी होती है उसके लिए। NGO जो है दे आर आल्सो सेंड कंसर्न पीपल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन टू सबमिट प्रपोजल फॉर वेलफेयर प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वुमेन राइट्स, टीचर ट्रेनिंग एंड मैनी मोर। ठीक है, ऐसे ही हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटियों से प्रपोजल मांगता है कि फैकल्टी डेवलपमेंट अपने प्रोग्राम्स जो हैं उनमें कैसे आपकी हेल्प की जा सके। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रपोजल जो होते हैं जब हम लिखते हैं तो इन ऑर्डर टू राइट दैट एंड इन ऑर्डर टू डेवलप दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू कंसीडर दी ऑडियंस, कि हमारे ऑडियंस कौन है, कि हमारे प्रपोजल को पढ़ना किसने है। तो इस चीज़ को ऑडियंस को मुझे मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हम 3-4 दफ़ा ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद रिसर्च दी सिचुएशन, के जिस सिचुएशन के बारे में आपसे प्रपोजल मांगा जा रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और उन चीज़ों की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा नॉलेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जी हाउ टू राइट एन एक्सटर्नल प्रपोजल। जब कभी आप एक्सटर्नल प्रपोजल लिखें तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टिव समरी होनी चाहिए, यानी कि ख़ुलासा, एक पेज के अंदर पूरे दी एग्जीक्यूशनर कंटेन्स इंफॉर्मेशन डिज़ाइन टू कन्विंस एग्जैक्टिव्स दैट द प्रपोजर्स शुड रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट इन अ लेंथी एक्सटर्नल प्रपोजल। कि अगर लेंथी प्रपोजल है उसकी लेंथ हंड्रेड्स ऑफ द पेजेस में है तो ये खुलासा आपका 10 to 15 पेजेस का होगा, और अगर आपका प्रपोजल जो है वो 10-15 पेजेस का है तो जो एग्जैक्टिव समरी है या जो खुलासा है आपका वो एक पेज पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसके अलावा राइटिंग द टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन आप लिखते हो कि आप प्रपोजल्स टेक्निकल सेक्शन बिगिन बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, कि जो मसले को हल करना है उसके ऊपर जो है वो मतलब कि बहस की जाती है। द प्रपोजर्स मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर डिज़ायर्स, कि जो बंदा प्रपोजल जमा करा रहा है उसको ये बात साबित करना होगी कि वो जिस फील्ड में कदम रखने जा रहा है उसका पूरा नॉलेज, उसकी पूरी एक्सपर्टीज़, उसका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो इस बंदे के या इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। समटाइम्स द फर्म्स ऑफर अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड इनवाइट्स द प्रपोजल राइटर्स टू सेलेक्ट वन। ठीक है, बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि वो 2-3 रस्ते आपको देते हैं कि इनमें से कौन सा बेहतरीन रास्ता जो है वो इस मसले को हल कर सकता है, जो भी इशू है। अच्छा जी, राइटिंग द मैनेजमेंट सेक्शन। इसके बाद प्रपोजल के अंदर एक मैनेजमेंट का सेक्शन होता है The management section describes the personnel who will work directly on the project, कि इसमें उन लोगों का नंबर और उनकी डिजिग्नेशन वगैरह बताई जाती है कि जो लोग जो है वो प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। और आप ऑब्वियसली आपके कस्टमर जानना चाहते हैं या वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा वेटिंग फॉर द फाइनेंशियल सेक्शन, the financial section provides breakdown of the cost for every item in the proposal. Often this section is not just the table of the cost. At times brief introduction and table may be all you need, but if you need to explain the source of significant certain figures then do so, ठीक है। इसके बाद है जी internal proposal। Internal proposal जैसा कि इसके नाम से reflect हो रहा है, दिस टाइप इज़ प्रपोजल इज़ रिटन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, के एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो उसके अपने मसाइल हैं उसको हल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने ही एक बंदे के ज़िम्मे लगाती है कि आप जो है वो प्रपोज़ल डेवलप करें और इस मसले का कोई हल निकालें। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है वो खुद काम करता है और वो खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इशू को सॉल्व करने के लिए प्रपोज़ल बनाता है, ठीक है। तो इट इज़ यूजली जो है वो डायरेक्शन आती हैं फ्राम दी अपर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, के किसी भी कंपनी की जो अपर मैनेजमेंट होती है वो आपको डायरेक्शन देती है और उसकी बेस पे आप जो है वो प्रपोजल बनाते हो, ठीक है। हु शुड राइट इंटरनल प्रपोजल? एनीवन, कि जिसके ज़िम्मे लगाया जाता है, कि जिसके ज़िम्मे लगाया गया है वही बंदा ऑब्वियसली इसको प्रपोजल को बनाएगा, ठीक है। इफेक्टिव इंटरनल प्रपोजल लिखने के लिए आपको जो है वो ऑब्वियसली रिसर्च करनी पड़ेगी, आप इंटरनेट की हेल्प लें, आप अपने कोलीग्स की हेल्प लें, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो मटेरियल है उसको रिसर्च करें। उसके बाद जब आपका प्रपोजल कंप्लीट हो जाए तो चेक फॉर एरर्स, के उसमें से गलतियां वगैरह जो है उसको एग्जामिन करें, एक एक लफ्ज़ का तजिया करें, एक एक ग्राफ, एक एक चार्ट, एक एक नंबर जो आपने कोट किया है उसको आप जो है वो जायज़ा लें और उसके बाद उसको इसके अंदर गलतियाँ मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्रिएट एन एग्ज़िट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट पोर्शन है क्रिएट एन एग्ज़िट स्ट्रेटजी। एग्ज़िट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनाब हमेशा जब कभी भी आप किसी मसले का प्रॉब्लम जो है प्रपोज करेंगे तो ऑब्वियसली इसके कुछ अनप्लैंड कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसकी हमने प्लानिंग नहीं की। एग्जाम्पल इसकी ये है कि हमने जो है वो पीपी के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में हमने बेतहाशा बिजली के कारखाने लगा लिए ऑयल पे चलने वाले, ठीक है, और हमें बिजली की ज़रूरत थी, हमने उनकी मर्ज़ी के मुआहदे जो हैं वो उन पे साइन कर दिए, ठीक है। अब एग्ज़िट स्ट्रेटजी हमारे पास कोई नहीं थी, हमें नहीं पता था कि जनाब कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हमें जो है वो 10-15 साल के बाद भुगतने पड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली की प्राइसेस जो है वो अनइमेजिनेबली हाई होती चली जा रही हैं और अगले 2-4 सालों में ये मज़ीद ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा जो है वो इस चीज़ को जहन में रखें कि जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हैं, जो भी प्रपोज़ल आप जो है वो देने जा रहे हैं, उसके कुछ ना कुछ अनप्लान कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं आपके प्रपोज़ल के उसको भी कंसीडर करें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है, ठीक है। गेट एवरीवन ऑन बोर्ड। गेट एवरीवन ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि ऑल दोज पीपल हु आर स्टेक होल्डर्स इन अ पर्टिकुलर इशू, के जो कि एक पर्टिकुलर इशू से आपके प्रपोज़ल से मुतासर हो सकते हैं या आपके प्रपोज़ल से उनको फ़ायदा हो सकता है, तो उनको ऑन बोर्ड लें, कि उनकी रजामंदी हासिल करें, उनसे डिस्कस करें, और जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा इंसाइट मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू प्लान योर प्रपोज़ल मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल who do not discuss with the stakeholders। उसके बाद है revise and refine। तो जब आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल करेंगे, जब आप मुतलका stakeholders के साथ डिस्कस करेंगे, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रपोजल को रिवाइज़ करें और उसके बाद उसको मज़ीद रिफ़ाइन करें ताकि इट बिकम्स एक्सेप्टेबल टू दी ऑल पीपल। इसके बाद है जी सैम्पल इंटरनल प्रपोज़ल। आपको एक दिखाया गया है सैम्पल प्रपोज़ल के होता क्या है, तो इसको मेमोरेंडम के फॉर्म में, चूँकि एक इदारे के अंदर लिखा जाता है। तो जब इदारे के अंदर लिखी जाती है कोई चीज़ तो वो मेमोरेंडम के फॉर्म में होती है। ठीक है, टू फ्रॉम सब्जेक्ट और डेट। टू मतलब किसको लिखा जा रहा है, कॉलन है, मतलब कि डायरेक्टर आईसीटी को लिखा जा रहा है। फ्रॉम डॉक्टर शमीम अली है, सब्जेक्ट एलएमएस ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ है, डेट जो है वो 1 जनवरी 2020 है। उसके बाद है पर्पस, कि इसको लिखने का मकसद क्या है। इसको काइंडली आप खुद ज़रा रीडिंग दे लें, ये आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी से इसको ज़रा रीड कर लें प्लीज़। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रपोजल होता क्या है। ये तो शुरू में उसका मकसद बताया गया, उसके बाद मसला बताया गया कि मसला क्या है, और उसका सलूशन नीचे प्रपोज किया गया। ठीक है, प्रॉब्लम को पढ़ें आप प्लीज़, कि देखें कि असल मसला क्या है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के साथ। इसका सलूशन देखें कि उन्होंने सलूशन क्या दिया है, कि आप एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी आप स्टाफ को ट्रेनिंग दें, और लोग जो है वो कंप्यूटर के इस्तेमाल के में उनकी अगर प्रोफिशेंसी आएगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जो है इसका यूज़ जो है वो ऑफिस में आना चाहिए। इसके फ़वाद क्या होंगे, ठीक है। अब आप आके देखें कि इसके बेनिफिट्स लिखे गए हैं, कि व्हाट विल बी द बेनिफिट्स। इसके बाद आप देखें कि फ़ायदा बताया जा रहा है, कि फ़ायदा क्या, कि हम 2.5 लाख रुपया हर महीने ओवर टाइम की मद में पे करते हैं अकाउंट्स वालों को। तो इफ़ यू विल गो ऑन ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन पे चले जाएंगे तो स्टाफ को आपको ओवर पेमेंट जो है या ओवर टाइम की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद कंक्लूजन आप देखें कि उनकी प्रोफिशेंसी अगर एलएमएस में होगी तो वो अपना काम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ दी प्रपोजल जी। एक मसला है, पहले मसले का बैकग्राउंड बताया गया, ठीक है। उसके बाद मसले को डिफ़ाइन किया गया, उसके बाद जो है वो उसका सलूशन दिया गया, सलूशन के बाद उसके बेनिफिट्स बताए गए, और आखिर में जो है वो कंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रपोजल के अंदर। अब ज़ाहिर है जिस नेचर का प्रपोजल या जिस टाइप का प्रपोजल या जिस मसले के हल के लिए आप लिख रहे हैं, ये हेडिंग्स उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी। ठीक है, चेक लिस्ट का प्रपोजल है, इसको प्लीज़ आप खुद देख लीजिएगा, बिकॉज वी आर प्रिटी शॉर्ट ऑन टाइम, टाइम बहुत कम है। इसके बाद ये समराइजिंग। समराइजिंग क्या होती है? समराइजिंग होती है खुलासा, किसी चीज़ का खुलासा बनाना या किसी चीज़ की समरी बनाना। समराइजिंग गाइड रीडर्स अबाउट इम्पोर्टेंट points derived from larger reports or articles. In today's busy world, readers do not have sufficient time to go through lengthy documents. Rather, they need to get a gist of an entire law. कि जो रीडर है उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता कि वो पूरा, अगर 10-15 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट या उसकी एग्जैक्टिव समरी या ख़ुलासा दिया है तो वो उसको मतलब के पढ़ लेंगे और वहाँ से उनको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है समरी की जी? तो समरी की डेफिनेशन ये है दैट अ समरी रीस्टेट्स द मेन फाइंडिंग्स, मेथड, कंक्लूजन एंड अदर इम्पोर्टेंट डेटा found in the document. In an organization, readers have to read many types of reports within an organization and an executive summary is written for their facilitation. लोगों को बेतहाशा जो है वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं और एग्जैक्टिव समरी जो होती है ये उनकी फैसिलिटेशन के लिए होती है कि उनको पूरा डॉक्यूमेंट ना पढ़ना पड़े, बल्कि वो एग्जैक्टिव समरी पढ़ेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे एम फिल PhD के थीसिस होते हैं, उनका प्रपोजल होता है, उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, और जो आपका थीसिस जो आप सबमिट कराते हो उसके अंदर भी प्रपोजल मौजूद होता है। अच्छा, ऑडियंस ऑफ द समरीज़ कौन होती है? ऑब्वियसली जो बंदा आपके प्रपोजल को या आपके डॉक्यूमेंट को मतलब कि पढ़ने जा रहा है वही आपकी समरी की भी ऑडियंस है। ठीक है, समरी को आपने प्लान कैसे करना है कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे आपने निकाल लेने हैं हेडिंग्स की फॉर्म में, फिर उसको सेंटेंसेस में आपने कन्वर्ट कर देना है। डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच द डिटेल इज़ रिक्वायर्ड, के फैसला करें कि कितनी डिटेल में चीज़ें आपने डिस्कस करनी हैं। मेन डिवीजन जो है वो डॉक्यूमेंट की, उसको डिटरमिन करें। की स्टेटमेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें। ओवरऑल पर्पज़ जो है आपके ये डॉक्यूमेंट का उसको अपने जहन में रखें। द डिटेल विच कैन सपोर्ट द मेन आइडियाज़ शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो अगर 100 पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट है तो समरी उसकी 10 पेजेस की या एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 10 पेजेस का होना चाहिए। इसके बाद ये खुलासा लिखा कैसे जाता है? देयर शुड बी सर्टेन सेक्शंस ऑफ अ समरी ऑफ अ रिपोर्ट, के रिपोर्ट अ लॉन्ग रिपोर्ट रिक्वायर्स द प्रीलिमिनरी सेक्शन, बॉडी ऑफ रिपोर्ट एंड सप्लीमेंट्री सेक्शन। द प्रीलिमिनरी एंड सप्लीमेंट्री सेक्शंस आर पार्ट ऑफ द होल लॉन्ग रिपोर्ट। हाउएवर the writer has provided summary of the body। ये जो समरी है उसमें प्रीलिमिनरी सेक्शन और जो आखिरी सप्लीमेंट्री सेक्शन है उसको आप एक्सक्लूड करते हो। सिर्फ बॉडी जो है उसकी आपने समरी, उसका खुलासा बनाना होता है। तो उसके अंदर आपने ब्रीफली जो है वो रिलेटेड लिटरेचर, जो मेथडोलॉजी आपने यूज़ की, जैसे डेटा कलेक्ट किया, डेटा एनालिसिस कैसे किया, जो आपका रिज़ल्ट है और जो आपकी कंक्लूजन है उनको आप कंसाइज अंदाज में लिखते हो। ठीक है, फिर ये वर्कशीट है कि समरी करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने है, इसको प्लीज़ आपको देख लीजिएगा। फिर है जी डिफाइनिंग, कि किसी चीज़ को डिफाइन करना। ठीक है, डेफिनेशन प्रोवाइड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द होल फिनोमिना अंडर कंसिडरेशन। द ट्रेडिशनल वे टू डिफाइन अ टर्म इज़ टू प्लेस अ टर्म इन अ फेमिलियर क्लास एंड एक्सप्लेन that it is different from other members of the related classes. A definition is highly skilled work and needs specific vocabulary to add up। कि definition जो होती है वो बहुत ही अहमियत रखती है, और जब कभी भी आप definition किसी चीज़ की बनाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने सारे aspects जो हैं उनको cover किया है और कोई चीज़ आपने छोड़ी नहीं है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशंस होती हैं जो कि 1-2 लाइन पे मुश्तमिल होती हैं। एक्सटेंडेड डेफिनेशंस होती हैं जो कि पैराग्राफ्स या इससे ज़्यादा की लेंथ की होती हैं। ठीक है, तो वैन एवर यू आर क्रिएटिंग अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ समथिंग, उसके 3 हिस्से होते हैं। द टर्म्स दैट रिक्वायर डिफाइनिंग, द क्लास टू विच द आइटम बिलोंग्स एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द आइटम फ्राम ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द क्लास। के जब कभी भी हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उस चीज़ को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद हम उसको एक नाम देते हैं। उस नाम को देने के बाद हम उसको एक जो है मतलब ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं, और ग्रुप के अंदर प्लेस करने के बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसका जो है वो बाकी बर्ड्स की निस्बत डिफरेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चिकन की बात करें तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने चिकन को एक नाम दे दिया। उसके बाद जब हमने इसको क्लासीफाई करना है तो हम ये कहेंगे कि चिकन इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, कि चिकन जो है वो एक मतलब परिंदों की अक़साम में से एक है, और इसके अलावा खसूसियात इनकी क्या हैं, दैट दे हैव बीन डोमेस्टिकेटेड, कि इनको डोमेस्टिकेट किया गया है, एंड दे आर यूज्ड टू गेट एग्स, के उनसे हम जो है वो अंडे हासिल करते हैं, ठीक है, और हम उनको घरों में रखते हैं, हम उन मुर्गियाँ हम घरों में पालते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को नाम दें, उसके बाद उसको क्लासीफाई यानी कि किसी बड़े मतलब ग्रुप में प्लेस करें, और ग्रुप में प्लेस करने के बाद उसको आगे मज़ीद एक्सप्लेन करें कि ये बाकी परिंदों या अपने साथ की मिलती जुलती बाकी जो चीज़ें हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। क्रिएटिंग इनफॉर्मल डेफिनेशंस, जी इसको आप ज़रा नज़र मार लें प्लीज़। इन केस ऑफ राइटिंग स्पेशलाइज्ड इन टेक्निकल टर्म्स the readers do not know, the writer should provide informal definitions because formal definitions still have a chance to create ambiguity for the reader। के आसानी पैदा करने के लिए अपने अल्फाज में definition दी जाती है ताकि जो रीडर है उसको आसानी से समझ आ सके। ऑपरेशनल डेफिनेशन उसको हम कहते हैं जो अपने अल्फाज में डेफिनेशन की जाती है। इसके अलावा सिनोनिम्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं बाज़ औक़ात के मुश्किल वर्ड जो है उसका अल्टरनेटिव आसान वर्ड जो है वो यूज़ कर लिया जाता है ताकि जो है वो आपको मसाइल ना हो। प्लानिंग योर डेफिनेशन, इसको छोड़ दें, बस लीव इट अलोन, ठीक है। वर्कशीट फॉर डेफिनेशन है, इसको देख लीजिएगा कि नेम दी ऑडियंस, के कौन ऑडियंस हैं, उनका नॉलेज कितना है, ठीक है। आप उनको जो है वो किस मकसद के लिए डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो एक मेथड सेलेक्ट करें डेफिनेशन का, ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल डेफिनेशन देंगे आप उनको सिनोनिम देंगे या फिर आप जो है वो ऑपरेशनल डेफिनेशन देंगे, ठीक है। अगर एक्सटेंडेड डेफिनेशन है तो उसका मेथड सेलेक्ट करें और उस मेथड के ज़रिए वो जो है प्रॉपर डेफिनेशन आप डिस्क्राइब करें। इफ़ रिक्वायर्ड विजुअल एड शुड बी यूज टू कन्वे दी मीनिंग और दी कॉन्सेप्ट, की अगर ज़रूरत महसूस हो तो पिक्चर का या इमेज का इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए आप जो है वो अपना आइडिया कन्वे करें। इसके बाद है जी डिस्क्राइबिंग की चीज़ों को मतलब डिस्क्राइब करना। ऑब्वियसली टेक्निकल राइटर्स जब कभी भी यूज़र मैनुअल लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, तो उसके अंदर चीज़ों की डिस्क्रिप्शन यानी कि चीज़ों की अल्फाज के अंदर पिक्चर बना के पेश करना जो है वो मौजूद होता है और उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी चीज़ों की मतलब डिस्क्रिप्शन की। तो जब कभी भी डिस्क्रिप्शन की बात आए तो यू नीड टू डिस्क्राइब द साइज़, वेट, शेप, मतलब कलर, मटेरियल, कॉस्ट, फंक्शन, कि उसका 5 W's जो हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सारी चीज़ें आपने उसकी डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि ये जो आपके रीडर्स हैं उनके जहन में उस चीज़ का इमेज पैदा कर देगा। तो जब कभी भी आप डिस्क्रिप्शन की मतलब करने लगें तो उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है, कि डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और द कॉन्सेप्ट बिकॉज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ कॉन्सेप्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब एवरी माइन्यूट डिटेल, के जो अहम नुकात हैं उनको ओवरलुक ना करें, क्योंकि जब कभी भी हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो छोटी या थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो ओवरलुक हो जाती हैं, वो हमसे रह जाती हैं। वेरियस की पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ कॉन्सेप्ट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, के जो की पार्ट्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको मिस नहीं करना चाहिए। द फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के जिस ऑब्जेक्ट के डिस्क्राइब किया जा रहा है उसका फंक्शन क्या है उसको भी डिस्क्राइब करें और उसको अटेंशन दें। ऑडियंस का ख्याल रखें कि ऑडियंस जो है वो आपसे किस किस्म की डिस्क्रिप्शन जो है उसको एक्सपेक्ट कर रही है। द लेवल ऑफ़ द प्रायर नॉलेज, के जो ऑडियंस है उनका जिस चीज़ को आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज उनका कैसा है। द वे थ्रू विच द फैसिलिटेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द ऑडियंस मस्ट बी रियलाइज्ड। द राइटर शुड सेलेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल, ही शी शुड चूज़ एप्रोप्रिएट विजुअल एड्स, के अगर विजुअल एड आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो पिक्चर भी साथ दें। एंड ही शी शुड अडॉप्ट द यूजुअल फॉर्म ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद वर्कशीट है, प्लीज़ इसको आपको देख लें। आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हो चुका है। 2 लेक्चर्स में 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं, तो इसी पैटर्न पे हम जो है वो मज़ीद जो है वो हर 2 लेक्चर में 3 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि 9 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएं। बुक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट आई होप कि थोड़ी सी स्पीड अगर हम लगाएं तो वी कैन कवर इट ऑल। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।